के लिए, उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री है जो एक हेल्थ का प्रोडक्ट बना रही है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक या दो के पास पहुंचती है, उनके जो सेठ लोग हैं उनके पास, तो जैसी वो खबर पहुंचती है तो वो लोग तुरंत भाग के इस फैक्ट्री वाले के पास आते हैं और इसको बोलते हैं, भाई तुम्हारा प्रोडक्ट है, अच्छा क्वालिटी है, अच्छा रिजल्ट है, हमको दे दो। तो वो एक नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, कम से कम 25, 30, 35 कोई भी आदमी वहां पहुंच जाएगा डायरेक्ट सेलिंग के, कौन से मालिक लोग उस फैक्ट्री में पहुंचेंगे और उसको बोलेंगे कि भाई हम इतनी इतनी ऑर्डर तुमको देते हैं, तुम हमको दे दो। और वो लोग की एक ही शर्त होती है कि ये जो प्रोडक्ट हम आपसे लेके जाएंगे इसमें हमारी कंपनी का पैकेजिंग और हमारी कंपनी का लेबल लगा दो। तो एक प्रोडक्ट एक फैक्ट्री बना रही है, लेके जाने वाली 25 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, वही चीज लेके जा रही है पर पैकेजिंग चेंज है और नाम चेंज है। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बताया? चीज एक ही है, नाम सबके अलग अलग मिलेंगे और 25 कंपनियों में आपको मिलेंगे और सबके नाम अलग अलग, सबकी पैकेजिंग अलग अलग, पर चीज एक ही है। ये नॉर्मली 98% इंडस्ट्री के अंदर, यहाँ पे इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इस तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट ला ला के देती है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसको दिमाग में डाल लेना। पहली बात तो ये दिमाग में डालना कि इस हॉल में जितने बैठे सबके सब करोड़पति बन नहीं सकते। आया समझ में? हाँ। तो देखिए आपको एक चीज वो बता रहा हूं कि आपको आने वाले आपके कैरियर में, डायरेक्ट सेलिंग के कैरियर में, आपको लोग दूसरी टीम के आएंगे कंफ्यूज करने के लिए कि रेंज हमारे पास ज्यादा है। माई लाइफ स्टाइल में 115 प्रोडक्ट की रेंज है, बराबर है कि नहीं है? तो वो लोग बोलेंगे कहाँ 115 प्रोडक्ट की कंपनी में पड़े हो, हमारे पास आओ, हमारे पास 400 प्रोडक्ट की रेंज है। और आप भी सोचोगे और 400 प्रोडक्ट, इसका मतलब वहां पे ज्यादा सेल होगी, ज्यादा टर्नओवर होगा, ज्यादा पैसा आएगा। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रेंज इंपॉर्टेंट होती है पर रेंज से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट उस रेंज की प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है। समझ में आई मेरी बात? रेंज इंपॉर्टेंट होती है पर उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। और इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको समझाता हूं क्यों ये चीज होती है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी आदमी आता है और आने के बाद जो वो जिस भी कंपनी का होगा और उसका कंपनी का जब प्रोडक्ट बेचेगा तो अपने ही सर्कल में जाके बेचता है कि नहीं बेचता है? अपने सर्कल में आप भी बेचते हो कि नहीं बेचते हो? यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं ना जो लखनऊ रेलवे स्टेशन के बाहर टेंट लगा के खड़ा हो गया, जो भी गुजर रहा है लीवर का प्रॉब्लम है क्या, आ जा तंबू के अंदर। और तू, तेरी तो शक्ल ही शुगर वाली दिख रही है, तेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, तू इस साइड पे आ जा। या गली गली जाके आप हाक लगाते हुए घूमते हो क्या? किसी को लीवर प्रॉब्लम है तो बालकनी में आ जाओ, मेरे पास आयुष प्रीमियम लिव अगेन है, डॉक्टर डीबीएन नारायणा ने बनाया हुआ है, जरा बाहर तो आ जाओ। इस तरह से प्रोडक्ट बेचते क्या? डायरेक्ट सेलिंग में जो भी प्रोडक्ट बेचेगा वो अपने सर्कल में बेचेगा, तो जिसका जितना भी सर्कल है लिमिटेड होगा कि नहीं होगा? कुछ लोगों का जान पहचान का सर्कल 50 लोगों का होगा, कुछ लोगों का जान पहचान का सर्कल 150 लोगों का होगा, कुछ लोगों का जान पहचान का सर्कल 500 का भी हो सकता है, पर ये जो भी प्रोडक्ट बेचेगा अपने सर्कल में बेचेगा और सर्कल लिमिटेड होता है। आप समझ लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसी कंपनी में काम करता है जहां पर रेंज तो है पर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है और रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। अब ये चला गया उधर और उधर डिस्ट्रीब्यूटर है, अब जब ये प्रोडक्ट उठा के लाएगा उस कंपनी का और अपने 50 जो जान पहचान का सर्कल है जो इसका 50 लोगों का, उस कंपनी के जाके जब प्रोडक्ट देगा तो अपने रिलेशन के बेस पे 50 लोगों को दे तो देगा एक बार, पर अगर रिजल्ट नहीं आया तो यही 50 लोग दोबारा से इससे वो प्रोडक्ट लेंगे क्या? नहीं लेंगे। अब आप ये बताइए इस आदमी को पता है क्या कि अगर बड़ा काम करना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो एक ही कंपनी में टिकना पड़ेगा, तो वो टिकने के हिसाब से आया हुआ है पर प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं है, 50 लोग दोबारा से ऑर्डर नहीं देंगे तो सारी जिंदगी वहां पे काम कर सकता है क्या? आज नहीं तो कल काम बंद करना पड़ेगा। गया था यहां पे सारी जिंदगी काम करने के लिए पर प्रोडक्ट की क्वालिटी दम नहीं है तो अब वो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके नीचे भी जो ज्वाइन करेगा उसको भी वही प्रॉब्लम आएगी, उसका भी एक लिमिटेड सर्कल है नीचे वाले का, वो भी एक बार बेच लेगा उसके बाद छोड़ के चला जाएगा, उसके नीचे वाला भी ऐसी करेगा, जब टीम ही नहीं बनेगी तो आप भी एक दिन छोड़ के चले जाओगे। आप सोच के आए कि मैं सारी जिंदगी काम करूंगा पर ना नीचे टीम है और ना प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है तो आपका उधर टिक नहीं, आप समझ लो इम्पॉसिबल हो जाएगा। बात समझ में आई? आई क्या? क्यों? क्योंकि लिमिटेड सर्कल है, इसी के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है अगर सारी जिंदगी टिकना है। तो कभी भी रेंज के झांसे में मत आना,
रेंज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी का होना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो आज जितने भी हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट है सारे के सारे आपको बेस्ट क्वालिटी भी मिलेगा और रिजल्ट ओरिएंटेड भी मिलेगा। इतनी बड़ी रेंज क्वालिटी प्रोडक्ट की, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट की अगर हिंदुस्तान में किसी कंपनी में मिलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ माय लाइफस्टाइल में मिलेगी। कुछ प्रोडक्ट आपको कहीं मिल जाएंगे, किसी कंपनी में 400 प्रोडक्ट होंगे, 250 प्रोडक्ट होंगे, काम के प्रोडक्ट 5-10 ही होंगे, बाकी सब नॉर्मल प्रोडक्ट, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट जो 10 कंपनियों में मिलते हैं और रेंज में दिखाने के लिए रखे गए, उस टाइप के मिलेंगे आपको। मेरी बात समझ में आई क्या? अब देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक ऐसी कंपनी में काम करता है जहां पे जो प्रोडक्ट लाया गया, जो उसका सेट लेके आया, वो कहां से लेके आया? फैक्ट्री से लेके आया है। और उस फैक्ट्री में 25 और दूसरी दूसरी कंपनियां ले लेके जा चुकी है लेबल चेंज करवा करवा के। अब ये बेचारा इधर गया हुआ, इस कंपनी में इसने ज्वाइन किया, तो सबसे पहली बात है कि जो भी आदमी इस इंडस्ट्री में आता है जबरदस्ती आता है, ये बात तो तय है। धक्का मार के इस बेचारे को डाल दिया अंदर, आ जा। आने के बाद इसको बोलते हैं आप प्रोडक्ट बेचने जा। कोई भी नया आदमी प्रोडक्ट बेचना चाहता है? नहीं चाहता। जबरदस्ती आया बिना मन के, अब इसको पता है पैसा कमाना है तो बेचना ही पड़ेगा। बिना मन के ये उठ के चल पड़ा बेचने के लिए। कौन सी कंपनी में काम करता है जहां पे फैक्ट्री से आए हुए प्रोडक्ट है? अभी अपना एक प्रोडक्ट उठाता है, अपने दोस्त के पास जाता है। अब इसका मन नहीं है बेचने के, ऊपर पहुंच गया क्योंकि पैसा कमाना है तो बेचना पड़ेगा, ऐसे ये लोग बोलते, मैं आ गया। अब वहां पे जाके दोस्त को बोलता है, देख तेरे को जो बीमारी चल रही है ना, मैंने अभी एक कंपनी ज्वाइन करी, उसमें ये प्रोडक्ट है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, जबरदस्त प्रोडक्ट है, तेरे को चाहिए तो वीडियो भी दिखा सकता हूं, लोगों के रिजल्ट आए हुए हैं, तू मेरे से ले और तेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो दोस्त बोलता है, अच्छा ऐसा प्रोडक्ट है, दिखा मेरे को। जैसे उसको प्रोडक्ट दिखाता तो गोल गोल घुमा के पढ़ता है उसको, और जब पढ़ता है तो उसको दिखता है कि इसमें जो 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 डला हुआ है ये सारी चीजें वो एक साल से खा रहा है, पर दूसरे नाम से किसी और कंपनी से कोई और दोस्त देके जा रहा है। तो इसको बोलता है, ये जो तू प्रोडक्ट लेके आया है ना, इसमें जो जो डला हुआ है, तेरे प्रोडक्ट का नाम ये, तेरी कंपनी का नाम ये, पर यही चीज डली हुई, मैं एक साल से खा रहा हूं, देखिए अलमारी में पड़ा, इसको भी गोल गोल घुमा के देख ले, इसमें भी वही डला हुआ है, पर ये दूसरी कंपनी का मेरा एक दोस्त एक साल से दे रहा है, तो मैं एक साल से खा ही रहा हूं। दूसरा एक तीसरा दोस्त पड़ा हुआ है 3 महीने से पीछे, कहते 6 महीने हो गए इससे खा रहा है, 3 महीने मेरे से भी ले ले, उसमें भी सेम वही डला हुआ है, और ऊपर से आज तू भी आ गया कि मेरे से ले ले। अब मैं किससे ले लूं तीनों में से, तीनों के पास सेम है। तो जो नया आदमी डरते डरते गया तो वो एक फैसला करता है कि ये जो झकझक चल रही है ना, इससे ले लूं, तेरे प्रोडक्ट में, उसके प्रोडक्ट में, एक काम करते हैं कि बिजनेस को भी उठाते हैं, प्रोडक्ट को भी उठाते हैं, और दोनों को उठा के कचरे के डब्बे में डालते हैं, मेरे को तो वैसे भी नहीं करना था। आप समझ रहे बात को? नया आदमी आता है जबरदस्ती आता है जबरदस्ती बेचने, अगर इस टाइप के प्रोडक्ट होंगे उसको 2 सेकंड लगता है ये डिसाइड करने के लिए बिजनेस में करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता था पहली बार। तो अब ये जो नया आदमी है जो बेचना नहीं चाहता, इसको बेचने में मजा आए, तो ऐसा क्या हो इस प्रोडक्ट में कि इसको बेचने में मजा आए? जब बेचने में मजा आएगा तब तो जाके टीम बनना स्टार्ट होती है, और टीम बनती है तब जाके सारी जिंदगी हम काम कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसा क्या चीज होनी चाहिए प्रोडक्ट में कि इसको बेचने में मजा आए? तो आप मेरे को बताओ, इस हॉल के अंदर किसी के भी साथ ऐसी घटना घटी क्या कि आज उसने माई लाइफ स्टाइल का एक प्रोडक्ट अपने किसी जान पहचान वाले को दिया? अब ये प्रोडक्ट देने के बाद जिसने दिया है वही भूल गया कि मैं दे के आया हूं, पर सामने वाले ने प्रोडक्ट यूज किया, रिजल्ट आया, ये भूल चुका है। पर इसके बाद, रिजल्ट आने के बाद, ये आदमी ने अपने इस डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करके बोला कि भाई तेरे प्रोडक्ट में बहुत दम है, तू वापिस दे के जा। अगर ये चीज यहां पर किसी के साथ हुई है तो हाथ खड़ा कर सकता है कि वो भूल गया पर सामने वाले का फोन आया। अब ये जो हाथ उठाए, ये किस चीज पे उठाए? ये हाथ उठाए इस चीज पे कि इनको ढूंढा गया, ये भूल चुके थे, पर कस्टमर ने इनको ढूंढा, लेने वाले ने इनको ढूंढा कि नहीं ढूंढा? तो ये जो ढूंढने का काम होता है डायरेक्ट सेलिंग में, अगर कहीं होता तो सिर्फ माई लाइफ स्टाइल में होता और माई लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट में होता है ढूंढने का काम। अब यहां पर क्यों ये ढूंढने का काम होता है? हमारे इधर ये इसके लिए ढूंढने का काम होता है कि हमारे प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन नहीं है, यूनिक प्रोडक्ट है हमारा, जो हमारा प्रोडक्ट है हमारे पास ही मिलेगा, इसके मिलता जुलता प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा इसके जैसा, तो भूल जाओ। बात सही है कि नहीं है? yes! और जब इसके जैसा ही कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा और मिलता जुलता भी नहीं मिल रहा, तो सामने वाला ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? yes!
जैसे 95 है, आप किसी के पास लेके जाते हो, 95 का कोई कंपटीशन है क्या किसी भी कंपनी में? क्या आप नीले वाला अपना वाला 95 लेके गए और सामने वाला आपको ये बोलता है भाई पीले वाला एक 95 ही कली आया तेरे 95 में जो नीला है और ये पीले वाले में 95 ही, इसमें क्या फर्क है? इस टाइप का कभी हुआ क्या? 95 मीन्स अपने पास है, और 95 से रिजल्ट आता है कि नहीं आता है? तो रिजल्ट आने के बाद जो भी 95 दे के आया, अगर ये भूल गया कि भाई मैं इसको दे के आया हूं, पर जिसको रिजल्ट आया है, अगर इसको 95 रिजल्ट आया और दोबारा चाहिए तो ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? क्यों ढूंढेगा? क्योंकि इसके जैसा प्रोडक्ट कहीं नहीं मिल रहा उसको, तब ये जाके ढूंढने का काम कर रहा है। तो ये ढूंढने का काम सिर्फ और सिर्फ माइलस्टेल और उसके प्रोडक्ट में होता है, और जब ये ढूंढने का काम होता है तब नए आदमी को बेचने में मजा आता है। मजा आने का मतलब समझे, डरता डरता आया है, धक्का मार के आया है, जाके प्रोडक्ट दे के आ गया, भूल गया, सामने वाले को रिजल्ट आया, एक फोन अगर इसने इसको कर दिया ना वापिस के तेरे प्रोडक्ट में दम है, दोबारा दे के जा, पूरे गांव में उसका दिल करेगा खुद जाके बताऊं और इसको दे के आऊं। इसको बोलते हैं बेचने का मजा। ये चीज आपको सिर्फ माइलस्टाइल में मिलेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आपको लाइन लगा के प्रोडक्ट बता दूंगा माइलस्टाइल में, जो कॉम्पिटिशन फ्री प्रोडक्ट है आपके पास, इसके आसपास का कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। जैसे 95 वुमेन कंपेनियन जैसा प्रोडक्ट आपको किसी कंपनी में मिलता जुलता भी मिलता है क्या? साइक्लोवा जैसा प्रोडक्ट मिलता है? आयुष्वास जैसा प्रोडक्ट मिलता है? थाई हेल्थ जैसा प्रोडक्ट मिलता है? फीलिंग जैसा प्रोडक्ट मिलता है? यूरीफ्लश जैसा प्रोडक्ट मिलता है कहीं? रेम निद्रा जैसा मिलता है? फाइट स्ट्रेस जैसा मिलता है? बिलो 37 जैसा मिलता है? डेली डिटॉक्स जैसा मिलता है? वुंड हीलिंग क्रीम जैसा मिलता है? अभी जो नया नया रोल ऑन आया उसके जैसा कोई प्रोडक्ट मिलता है? तो ये सब कॉम्पिटिशन फ्री प्रोडक्ट है कि नहीं है? और सबके सब रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है? और सबके सब क्वालिटी वाले है कि नहीं है? तो फिर से दोहरा देता हूं, रेंज के चक्कर में कभी पड़ना मत। डायरेक्ट सेलिंग में क्वालिटी और रेंज, मतलब रेंज से इंपॉर्टेंट क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड होना होता है। ये आपको कुछ कंपनियों में मिल जाएगा, कुछ प्रोडक्ट में मिल जाएगा। पूरी रेंज क्वालिटी और आपका रिजल्ट ओरिएंटेड आपको कहीं मिलेगा तो सिर्फ माइलस्टाइल में मिलेगा। और माइलस्टाइल में एक तीसरी चीज जो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो है कॉम्पिटिशन फ्री प्रोडक्ट। इतना बड़ा रेंज ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिशन फ्री प्रोडक्ट। देखिए एग्जांपल के लिए, आपने किसी को 95 दिया, ठीक है? अब ये आदमी कहां रहता है जिसको आपने 95 दिया? ये रहता है शहर के बीचों बीच, और बीचों बीच भी ऐसे इलाके में रहता है जहां पे फुल ट्रैफिक चलता है, पूरे ट्रैफिक में घिरा हुआ ये रहता है। और आप इसको 95 दे के आए, और दे के आने के बाद आप भूल गए, पर आप रहते कहां पे हो? इसी शहर के बाहर घने जंगल में। घना जंगल समझते हैं? तो घने जंगल में आपका घर है। खाली घने जंगल में नहीं है, घने जंगल की जो सबसे ऊपर सबसे ऊंची वाली जो पहाड़ है ना, पहाड़ सबसे उस ऊंचे वाले पहाड़ की चोटी पे आपका घर है। और वो घर भी ऊंची वाली चोटी भी नहीं है, उस ऊंची वाली चोटी पे जो सबसे लंबे वाला पेड़ है, उस पेड़ के सबसे ऊपर वाली डाली पे आपका घर है, और वहां पे 95 समझ लीजिए। तो ये जो शहर में आदमी है जिसको आप 95 दे के आए, आप तो भूल गए और जाके उस पेड़ की उस डाली में अपने घर पे जाके बैठ गए। पर अगर ये शहर वाले को अगर 95 का रिजल्ट आया तो ये आपको ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? क्योंकि 95 ये पूरा शहर पूछ मारेगा, पूरे शहर में ये पूछ रहा है, किसी के पास नहीं मिल रहा। अब इसको पता अगर मिलेगा तो उसी के पास मिलेगा। तो ये ट्रैफिक वाले एरिया से बाहर निकलेगा, शहर से बाहर निकलेगा, जंगल में घुसेगा और पूछेगा 95 वाला किधर रहता है? तो वो बोलेगा सबसे ऊंची वाली चोटी पे चढ़ जा, वहां पे रहता है। सबसे ऊंची वाली चोटी पे चढ़ेगा, वहां पूछेगा 95 वाले का घर, तो बोले सबसे ऊंचे वाले जो पेड़ है इस पे चढ़ जा, और सबसे वाली ऊपर वाली डाली पे चला जा, वहां रहता है और उसी के पास 95 पड़ा है। तो ये आदमी उधर चढ़ेगा और वहीं जाके 95 मिलेगा। इसको बोलते हैं ढूंढने का काम, और ये ढूंढने का काम सिर्फ और सिर्फ माइलस्टाइल में होता है और माइलस्टाइल के प्रोडक्ट में होता है। आया समझ में? हाँ। तो ये खाली माइलस्टाइल में क्यों होता है ढूंढने का काम? वो इसके लिए होता है कि माइलस्टाइल के जो प्रोडक्ट है बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड होने के साथ साथ यूनिक प्रोडक्ट भी है, कॉम्पिटिशन फ्री प्रोडक्ट है। और वो इसके लिए है कि ये जो प्रोडक्ट हमारे हेल्थ के है, ये सारे के सारे वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट जो हमारे हैं उन्होंने बनाया है, उनका फॉर्मूला है, किसी फैक्ट्री से उठा के लाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है। इधर फर्क समझ रहे हैं आप? अरे समझ रहे हैं क्या? फैक्ट्री से आता तो मिलता जुलता प्रोडक्ट 10 कंपनियों में मिल जाता, वही चीज डली हुई। माइलस्टाइल का जो प्रोडक्ट है आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला बनाया किसने? हमारे साइंटिस्ट ने बनाया है।
इसी के लिए इसकी कॉपी भी नहीं मिलती, इसका मिलता जुलता प्रोडक्ट भी नहीं मिलता, इसी के लिए आपको बेस्ट क्वालिटी भी मिलती है, इसी के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, और इसी के लिए ये कॉम्पिटिशन फ्री यूनिक प्रोडक्ट भी है। कारण क्या है कि हमारे पास इधर वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट हैं। समझ में आया क्या? तो ताली बजाने के लिए आप लखनऊ में बीच में कहां से लोग लेंगे? हमारे पास जो आयुर्वेदा की रेंज है वो आयुष प्रीमियम रेंज है, पता है ना आप लोगों को? Yes. कितने लोगों को पता है कि आयुष प्रीमियम क्या होता है? जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया, कल से सीरियसली काम करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? आज तक तो माफ किया, कल से सीरियसली काम करोगे तो हर एक चीज की जानकारी रखे। ऐसे ऐसे होते हैं, किसी को अपना सास अच्छा नहीं लगता, ना ससुर अच्छा लगता, ना साले साली अच्छे लगते, किसी को कुछ भी पसंद नहीं आता, फूटी आग नहीं सुहाते किसी किसी को, पर फिर भी नाम तो याद रखना पड़ेगा, जरूरी है कि नहीं है? क्यों? सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। समझ में आ रही है बात? तो करोड़पति बनना है, हाथ तो उठा दिया, यही नहीं पता कंपनी की सारी बातें। तो आयुष प्रीमियम क्या है मैं आपको बता देता हूं, पर इसको सारी जिंदगी याद रखना। देखिए आयुर्वेदा पूरे इंडिया में कम से कम 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 प्रोडक्ट होंगे जो बनते और बिकते हैं। अब इसमें एक आम जनता को कैसे पता चले कि कौन से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है? तो ये आम जनता को सुविधा हो तो क्वालिटी का मार्का देने के लिए गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री रखी, आयुष मंत्रालय। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बातें हो रही है ये सब, तो आयुष मंत्रालय में दो टाइप का मार्क मिलता है क्वालिटी का। पहला मार्क है आयुष प्रीमियम मार्क, ये क्वालिटी का एश्योरेंस है कि इस प्रोडक्ट में क्वालिटी है। और एक दूसरा मार्क मिलता है जिसको बोलते हैं आयुष प्रीमियम, या आयुर्वेदा में हाईएस्ट क्वालिटी अगर होगी उसको मिलता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो नॉर्मल जो क्वालिटी देगा वो आयुष मार्क, और प्रीमियम क्वालिटी हाईएस्ट क्वालिटी इसको बोला जाता है आयुष प्रीमियम। दोनों मार्क ये इंडस्ट्री देता है आम जनता के लिए पता लगाने के लिए कौन सा है। जिसके अंदर आयुष मार्क नहीं है वो बोलते हैं हमारा कोई गारंटी नहीं, आप खाओ आपके रिस्क पे खाओ। आ रहा है बात समझ में? तो हमारे पास जो आयुर्वेदा का रेंज है 90% प्रोडक्ट आयुष प्रीमियम मार्क है, हाईएस्ट क्वालिटी। अब देखिए एक चीज को समझिए, यहां पे कितने लोग है जो 2019 से हमारे प्रोडक्ट आयुर्वेदा के बेचते थे अपने लोगों को, जरा हाथ खड़ा करो। 2019 कोरोना आने से पहले जो माय लाइफस्टाइल में प्रोडक्ट बेचा करते थे, हाँ, तो अब ये जितने भी लोग उस टाइम पे प्रोडक्ट सेल करते थे आप लोग, तो उस टाइम पे पूरे इंडिया में हर एक आदमी को आयुर्वेदा क्या होता ये पता था, खाता कोई नहीं था, पता सबको था, खाता कोई नहीं था। और हमारे यही बेचारे डिस्ट्रीब्यूटर कोरोना आने से पहले जब जब किसी को आयुर्वेदा समझाने जाते थे तो इनको ऋषि मुनि के वीडियो पहले दिखाने पड़ते थे कि देखो ऋषि मुनि क्या बोल रहे, हजारों सालों से बोले जा रहे, ऊपर चले गए बोल बोल के, हजार साल हो गए अब तो खा ले। बात सही है कि नहीं है? और कोरोना आने के बाद क्या हुआ? कोरोना आने के बाद गवर्नमेंट ऋषि मुनि बन गया, 1.5 सालों से गवर्नमेंट बोलता हुआ घूम रहा है, सुनाई दिया कि नहीं दिया? कि कोरोना से बचना है इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए, और इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय वो है आयुर्वेदा, ये गवर्नमेंट बोल रही है 1.5 सालों से जब से कोरोना आया। और इसमें गवर्नमेंट एक चीज और बोलती है, आयुर्वेदा में क्वालिटी पहचाननी है तो कम से कम आयुष मार्क के प्रोडक्ट लो। सुनाई दिया ये चीज? आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड आयुष मार्क के ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खाना तो आपको क्वालिटी मिलेगी, ये सरकार बोल रही है। हमारे पास उसी मंत्रालय का हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है जिसको बोला जाता है आयुष प्रीमियम। समझ में आया तो ताली बजाओ, नहीं समझ में आया तो मैं भी कानपुर का ही हूं, मेरे को पता है यहां ताली बजाना मतलब पसीना आ जाएगा। तो देखिए बॉम्बे की भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूँ आयुष प्रीमियम होता क्या है, अगर आपको समझना है तो ही बताऊंगा, सारे के सारों को समझना है तो ही बताऊंगा। तो बॉम्बे की भाषा में आपको समझाता हूँ। देखिए सरकार क्या बोल रही है 1.5 सालों से, आयुष मार्क के प्रोडक्ट खाओ। तो आज बाजार में जितने भी आयुष मार्क के प्रोडक्ट है ये क्वालिटी के प्रोडक्ट है, ये आप खाना, ये सरकार बोलती है। तो आयुष मार्क के जितने भी प्रोडक्ट आज मिल रहे ये हो गए बच्चे,
और इनके पिताजी आयुष प्रीमियम जो हमारे पास है, आप समझ में आ रहा बात, इतना ही था, बॉम्बे की भाषा में इतना ही था, समझ में आया क्या? कुछ लोग घूर घूर के देख रहे हैं, इनको समझ में नहीं आया क्या बोला, आयुष आयुष प्रीमियम, बाप बच्चा क्या बोल के चले गए सर। पर आज एंट्री फीस सबने भरी है कि नहीं भरी है? समझाना तो पड़ेगा, थोड़ा गहराई में जाके समझाना पड़ेगा, तो गहराई में जाके समझाता हूँ। देखिए बॉम्बे की भाषा में आयुष मार के जितने प्रोडक्ट हो गए ये तो हो गए बच्चे, और इससे हाईएस्ट क्वालिटी आयुष प्रीमियम ये हो गए इनके पिताजी। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? तो देखिए बच्चे कितने भी हो सकते हैं, पिताजी एक ही है, और वो समझ में आया क्या? क्योंकि अभी भी नहीं आया तो इससे ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता, इतनी लिमिट है मेरी, इतने तक ही समझा सकता हूं, इससे नीचे नहीं जा सकता। आया समझ में? तो देखिए इस इंडस्ट्री में अगर किसी को भी आयुष प्रीमियम मार के प्रोडक्ट चाहिए तो उसको सिर्फ और सिर्फ माइलेस्टल के डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही मिलेंगे, बाकी इंडस्ट्री में है ही नहीं कहीं। आज इससे बड़ा क्या कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट हो सकता है आप मेरे को बताओ? आयुर्वेदा का जमाना चल रहा है, आयुर्वेदा आयुर्वेदा बोला जा रहा है, सरकार से लेके आम आदमी तक सब आयुर्वेदा लेना नहीं जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है। तो आज अपना डिस्ट्रीब्यूटर अपना एक आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट लेके अपने ही एक दोस्त के पास जाता है और उसको जाके बोलता है मेरा वाला आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ले, तो वो दोस्त को हो सकता है आयुष प्रीमियम ना बताओ, तो इसको बोलेगा देख ये पूरी अलमारी देख ले, 20 प्रोडक्ट पड़े हुए, डेढ़ साल से यही खा रहा हूं, और एक तू और डब्बा लेके आ गया, तो ये बोलेगा ये ऐसा वैसा डब्बा नहीं है, ये आयुष प्रीमियम मार्क का क्वालिटी प्रोडक्ट वाला डब्बा है, तेरे 15-20 डब्बों में ढूंढ के देख ले कहीं पे भी आयुष प्रीमियम है क्या। तो जब इसको आयुष प्रीमियम अपने दोस्त को इसने समझा दिया कि हाईएस्ट क्वालिटी है, और उसके बाद जब ये चेक करता है कि 20 डब्बों में कोई भी आयुष प्रीमियम नहीं है, सबको उठा के फेंक देगा और इससे लेगा, क्योंकि हाईएस्ट क्वालिटी है। जब खाने की बात आती है तो हाईएस्ट क्वालिटी हर एक को चाहिए होता है, बात सही है कि नहीं है? और क्योंकि हाईएस्ट क्वालिटी और हमारे साइंटिस्ट द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट है, तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो रिजल्ट आएगा। ये जो बंदा गया था हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, ये जाके दे के भूल गया, पर रिजल्ट आया। अब इसको रिजल्ट आने के बाद अगर इसको आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए तो फिर वही घने जंगल और वही पहाड़ी और वही सबसे ऊंचाला पेड़ वहीं तक जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में आयुष प्रीमियम कहीं मिलेगा तो वो यहीं मिलेगा। समझ में आया? और जब नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये ढूंढने का काम होता है, सामने वाले का एक कॉल आता है, तब उसको बेचने में मजा आता है। और जब आपके नीचे ऐसे ही लोग मजे के साथ बेचेंगे तब जाके आपकी टीम भी बनेगी, और जब आपकी टीम बनेगी तो आप सारी जिंदगी यहां पे टिकोगे। पूरी बात समझ में आई? तो कभी भी रेंज के चक्कर में फिसल के मत चले जाना, 120 ही है क्या वहां पे, तो 400 है। मेरे को एक ने बोला भी सर वो सामने वाली कंपनी में 350, आप बताओ क्या करना है, मेरे से राय पूछ रहा ऑफिस में। मतलब तू एक काम कर, तू खड़ा है ना पहले तो बैठ, बिठाया उसको, मतलब तू एक बात बता, सामने 400 की रेंज है, तेरे पास कितने आदमी है जिनको तू बेचेगा? तो बोले सर है ना मेरे पास 100-150 आदमी। तो बोले अगर वहां पे क्वालिटी नहीं है तेरे को भी पता है, 450 ये 150 को बेच देगा, इसके बाद क्या करेगा? अब ये खुजाने लग गया सर को। बोले बात तो सही है सर, तो बोले चुपचाप चला जाओ और काम कर ले इधर ही। आया समझ में? ये सब फ्री की एडवाइस है, समझ में आती है, इसी से आगे चलते रहना, एक्सपेरिमेंट करने घूम गए तो घूमते ही रह जाओगे। समझ में आ रहा है? बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट और यूनिक प्रोडक्ट, इतनी बड़ी रेंज अगर आपको पूरी इंडस्ट्री में कहीं मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ माइलेजस्टाइल में मिलेगी। हमारे प्रोडक्ट में दम है इधर वाले, और तो प्लान के ऊपर चले देंगे। माई लाइफ स्टाइल में वीकली इनकम के लिए कोई टारगेट नहीं है, पता है? अब इसके बाद आपको मार्केट में जितनी भी कंपनियां है ना, 98% आपको टारगेट वाला ही प्लान बताती है और बताएंगे, और आपको पता नहीं चलेगा ये सामने वाला प्लान टारगेट वाला है। जाने के बाद जब काम करोगे जब पता चल जाएगा, अरे ये तो टारगेट वाले में आ गया, मेरे को तो इसने बताया नहीं, पर तब तक तो आप चले गए। तो ये टारगेट वाले प्लान क्या होते हैं वो तो मैं आपको समझाऊंगा ही। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं बिजनेस वॉल्यूम, बीवी पता है आपको? माय लाइफस्टाइल के अंदर बिजनेस वॉल्यूम है कि नहीं है? आप 100 रुपए देते हो, आपको 75 बीवी मिलता है,
और जितना भी पे आउट है 75 बीवी के ऊपर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये बिजनेस वॉल्यूम होता क्या है? बिजनेस वॉल्यूम होता है, ये एक पैरामीटर होता है और आपको हर प्लान में हर कंपनी में मिलेगा बिजनेस वॉल्यूम। तो ये बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है? आपका पैसा कंपनी का प्लान एडजस्ट करने के लिए बीवी लगाया जाता है, आपका पैसा और उस कंपनी का प्लान उसके हिसाब से वहां का मैनेजमेंट एक बीवी लगाता है, इस पैसे को आपके उसके प्लान के हिसाब से एडजस्ट करना है। मेरी बात समझ में आई? बीवी आपको हर कंपनी हर प्लान में मिलेगा, लगाया क्यों जाता है? आपके पैसे को एडजस्ट करना। और कभी भी आपके पैसे से ज्यादा आपको बीवी किसी कंपनी में नहीं मिलेगा, हमेशा आपके पैसे से कम ही मिलेगा। यह भी बात क्लियर हो गई? अरे क्लियर हो गई क्या? तो माइल स्टाइल में आप 100 देते हो, आपको 75 बीवी मिलता है और आपको 75 बीवी में पे आउट मिलता है। तो ये तो हो गया माइल स्टाइल। पर बहुत सारी कंपनी के जब आप प्लान सुनेंगे या सुन के भी बैठे होंगे तो आपको एक चीज दिखाई दी होगी, उधर बीवी के बाद एक दूसरी स्टोरी चालू होती है जिसको बोला जाता है पीवी, पॉइंट वैल्यू। सुना है कभी? कोई कंपनी इसको पीवी बोलेगी, कोई दूसरी कंपनी के प्लान में इसी को टीवी बोला जाएगा, तीसरे में टीवी बोला जाएगा, चौथे में एसटी बोला जाएगा, किधर सीपी बोला जाएगा, किधर वीपी बोला जाएगा, कुछ भी बोला जाएगा। आप जिंदगी में एक चीज याद रखना, कोई भी प्लान जिसके अंदर मेरे को वो सामने वाला ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट आपको बीवी में खरीदना और पे आउट हम पीवी एसपी टीपी में देंगे, उसको बोलना बंद कर और तू निकल ले। समझ में आई के बाद? समझ में आई? कैसे आई? अभी तो समझाई भी नहीं है, खाली शानमुखानंद वाला हाल है। इसने बोला तो हम भी हूं कर देते, इसने ताली बजाई तो हम भी। समझना है कि नहीं है? तो देखिए, ये जो पीवी लगी, एसपी लगी, टीपी लगी, इसका दो काम होता है। सबसे पहला काम होता है आपके पैसे के वैल्यू को और कम करना है, दूसरा काम होता है आपको टारगेट देना है। बात समझ में आई? आपने 100 रुपए दिए, माइल स्टाइल में बीवी लगा, उधर भी बीवी लगा, 75 हो गया। समझ में आया? अब उधर पीवी है तो 75 से और कम करना है, इसके लिए पीवी लगा दिया उधर, और माइल स्टाइल में बीवी में पैसा दे रहे। समझ में आया इतना? समझ में आया क्या? पीवी लगाने का ये सबसे पहला कारण होता है कि आपके पैसे को और कम करना। कितना कम हुआ, कितना मिलेगा, वहां आके लीडर को भी नहीं पता, खाली मैनेजमेंट को पता होता है। पर आपका पैसा कम हो गया ये मान के चलो। दूसरी बात है, आपको टारगेट मिला, तो टारगेट कैसे मिलता है वो भी आपको समझाता हूं। समझना है? समझना है क्या? समझ लीजिए, आपको प्लान बता रहे, कैसे बताएगा ये बोलेगा कि देखिए आप हमारे कंपनी में आ जाओ, हमारी कंपनी में जो पे आउट है हम आपको एक पीवी पे 500 रुपए देते हैं, एक पॉइंट वैल्यू पे 500 रुपए देते हैं। यहां तक समझ में आया क्या? आपको उस प्लान में एक पीवी पे 500 रुपए मिलेगा, साथ में वो आपको ये भी बोलेगा कि एक पीवी करने के लिए आपको 100 बीवी का सामान खरीदना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट किसमें है? बीवी में। पे आउट किसमें दे रहा है? पीवी में। तो आपको बोलता है एक पीवी का 500 रुपए मिलेगा और एक पीवी करने के लिए आपको 100 बीवी का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। समझ में आया? आपको कंफ्यूजन है क्या इसमें? अरे समझ में आया क्या? ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे? दोबारा से बताऊं, प्लान ये है कि आपको पैसा जो मिलेगा एक पीवी का 500 रुपए मिलेगा, 10 पीवी कर लिए 5000 मिलेगा, 20 पीवी कर लिए तो आपको 10000। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो बोलता है एक पीवी पे 500 रुपए मिलेगा, पर एक पीवी करने के लिए 100 बीवी का सामान खरीदना पड़ेगा, तब एक पीवी होगा, और एक पीवी जैसे ही होगा आपको 500 रुपए मिल जाएगा। अब आप जितना भी बीवी करोगे 100 बीवी पे एक एक पीवी मिलता रहेगा, और जितना भी पीवी होगा 500 के हिसाब से उतना पीवी का पे आउट मिलेगा। बात समझ में आ गई अभी? तो आप देखिए, समझ लीजिए उस प्लान के अंदर आपने 99 बीवी का एक महीने में सामान खरीदा, 99 बीवी का, तो आपको कितना पैसा वो प्लान देगा? क्यों जीरो देगा? क्योंकि पैसा वो पीवी पे देता है और आपका पीवी हुआ नहीं, पर आपने बिजनेस तो दिया, 99 बीवी का बिजनेस दिया कि नहीं दिया? पर पैसा एक नहीं मिलेगा, पैसा तो पीवी पे मिलता है। तो ये जो 100 बीवी करना है, ये आपका टारगेट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पीवी लगाई इसके लिए जाती है, टारगेट देने के लिए, आपका पैसे का वैल्यू कम करने के लिए। तो आज जो आपका एक पीवी आपने नहीं किया, आप बिजनेस दोगे पर आपको 1 रुपए नहीं देंगे, और ये चीज आपको अब नहीं पता चलेगी जब प्लान सुनोगे। प्लान तो वो ऐसे ही समझाएगा, एक पीवी का 500 और एक पीवी के लिए 100 बीवी का खरीदारी करो, और जब वहां पे जाके 99 करके बैठोगे, जब पता चलेगा 1 भी रुपए नहीं आया, तब उससे जाके लड़ाई करोगे, धंधा तो दिया है पैसा क्यों नहीं आया? तब बोलेगा एक पीवी किया गया, तो आप बोलोगे नहीं किया, तो बोले घर पे जाके बैठ जाए, इसके लिए नहीं आया। आया समझ में?
तो आज के बाद कभी भी कोई भी कंपनी का आदमी आए, कोई भी टाइप का प्लान लेके आए, अगर वो बोलता है कि हमारे इधर बीवी है, बीवी के बाद टीपीएसपी जो भी बोलता वो है, उसको बोलने का, तो तेरा भई खाता बंद कर, चाय पी और निकल। समझ में आ रहा है? ज्यादा डिटेल में जाना ही मत, इतना दिमाग आपके पास नहीं है। सिर्फ इतना ही सुन लिया, उसको बोलना बंद कर, चाय पी और जा। और ये तो आपकी श्रद्धा है, आप उसको चाय पिलाओ, मैं हूंगा तो चाय भी नहीं पिलाऊंगा, मैं तो बोलूंगा निकल। समझ में आ रही है बात? ऐसे आके क्या फाड़ फाड़ के देख रहे हो? समझ में आई कि नहीं आई? तो आपके दिमाग में बिठाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, क्योंकि आप लोग हो यूपी वाले, तो मेरा एक धर्म भी बनता है कि आपको एक विशेष फॉर्मूला दिया जाए। पर अगर आपको चाहिए तो ही दे सकता हूं। सबको चाहिए? लाइफ हो चाहे माय लाइफ हो, बीवी के बाद कुछ भी नहीं। कुछ शादीशुदा आदमी लोग घूर घूर के देख रहे हैं, ऐसे कैसे बोल दिया? और कुछ लेडीज गुस्से में देख रही है, ऐसे भी आदमी होते हैं क्या? तो लेडीज लोगों को एक चीज समझाने जाता हूं, आप जेंट्स को नहीं पहचानते। जैसे जेंट्स लेडीज को नहीं पहचानता, आप जेंट्स को नहीं पहचानते। मैं जेंट्स हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो है ना सॉफ्टवेयर भगवान ने बना के भेजा, आदमी की गलती नहीं है, ये भगवान की गलती है। उसने सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना के भेजा है कि हर शादीशुदा आदमी को दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, इसकी गलती नहीं है। ऊपर अब ये जिसकी बीवी है उसी को पता है कि इसमें गड़बड़ कितनी है। बात सही है कि नहीं है? तो याद रहेगा सारी जिंदगी, लाइफ हो चाहे माय लाइफ हो, बीवी के बाद कुछ भी नहीं। सारी जिंदगी याद रखना, यहीं टिके रहोगे। तो मैं आपको अभी तक दो चीज बता चुका हूं, याद है? सबसे पहले आपको डायरेक्ट सेलिंग माय लाइफ स्टाइल में कोई टारगेट नहीं है। दूसरी बात, बीवी के ऊपर आपको पैसा मिलता है, और बीवी के बाद अगर कोई बोलता है कि बीवी भी है और इसके ऊपर पैसा देते, तो लाइफ हो चाहे माय लाइफ हो, बीवी के बाद कुछ भी नहीं। अब एक तीसरी चीज और आपको बताता हूं। तीसरी चीज ये कि अगर आपको कंफ्यूज किया जाएगा तो परसेंटेज के ऊपर वो सामने वाले कंफ्यूज करेंगे आपको। वो आपको बोलेगा तुम्हारा माय लाइफ स्टाइल है 60% देता है, तू हमारी कंपनी में आ जा, 75% हम तेरे को देंगे। और आप सोचोगे अच्छा गधा बन गया मैं इतने सालों से, 75 देने वाली कंपनियां भी घूम रही है, मैं 60 में फंसा पड़ा हूं। उछल के वहां चले जाओगे, और जब उधर जाओगे एक महीना काम करोगे तब आपको पता चलेगा अरे बापरे यहां पे तो उससे भी कम मिल रहा है। तो कभी भी परसेंटेज में कंफ्यूज मत होना, मैं आपको वो भी समझा देता हूं। परसेंटेज में कंफ्यूज क्यों नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए माय लाइफ स्टाइल में आप हो, समझना क्या हो ही हो ना। कुछ लोग उसमें भी यस बोलने वाले थे। आपने 100 रुपए दिया, बीवी आ गया 75 के ऊपर पे आउट मिला, बराबर है? अब बोलते हैं कि माय लाइफ स्टाइल 75 के ऊपर 60% पे आउट देता है। सामने वाला बोलता है कि हम 75 पे देते हैं, पर उधर पीवी है या एसपी है या टीपी है, और वो आपको बोल रहा है 75 पे देंगे। तो आप ये समझ लो उस कंपनी में 100 रुपए आपने दिया, बीवी है 75 हो गया, जो माइलेज स्टाइल में भी हो गया। अब वहां पे पीवी एसपी टीपी है, तो समझ लो तकरीबन आपका 75 रुपए 50 रुपए हो चुका है, क्योंकि पीवी लग गया। अब वो आपको बोलता है कि हम आपको 75 देंगे, पर वो 75 देगा किस चीज पे? 50 रुपए के ऊपर। माइलेज स्टाइल 75 किस चीज के ऊपर दे रहा है? 75 के ऊपर। तो 75 के ऊपर 60% ज्यादा होता है या 50 रुपए के ऊपर 75%? कौन सा ज्यादा होता है? दिमाग काम नहीं कर रहा है, हैंग हो गया तो कैलकुलेटर यूज करके देख लो मोबाइल में, आपको यही पता चलेगा 75 के ऊपर 60% ज्यादा होता है। पर आपको बताएगा क्या वो 75%? और आप क्या गलती करोगे, आप यही नहीं पूछोगे कि 75 किस चीज पे दे रहा है तू? आप समझे ना, आपके कान में 75 ही घूमेगा, 75 75 75, वहां पे पता चलेगा अरे पीवी पे दे रहा है, पीवी पे 75, इसका मतलब उधर ज्यादा मिल रहा है। आया समझ में? तो कोई भी बोलेगा ना हम इतना परसेंटेज देते, एक ही सवाल पूछना किस चीज पे देता है वो बता, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाईएस्ट पेइंग प्लान के अंदर आप हो। आया समझ में? तो ताली बजाने के लिए भाग, मेरे को ऐसा फंसा के रख दिया है, मैं बाहर जाके लोग भी नहीं लेके आ सकता ताली बजाने के लिए।
तो तीसरी चीज भी समझ में आई, परसेंटेज पे कभी भी कंफ्यूज मत होना, सीधा एक ही सवाल पूछना, परसेंटेज किस चीज पे दे रहा बेटा ये बता पहले तू, और वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज ऐसी बता रहा हूं जो इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, एक ही प्लान में मिलेगा माइलेस्टल में, जिसमें आप हो। वो चीज क्या है कि जब आप माइलेस्टल के अंदर किसी को ज्वाइन करोगे तो वो जो भी टर्नओवर देगा तो आपको 12% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यही आदमी जब दोबारा उधर ही रुक के दोबारा से परचेज करेगा, जिसको रीपरचेज बोला जाता है, तो रीपरचेज का उसी आदमी का आपको 12% मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आदमी आया, ज्वाइनिंग का अमाउंट आया 12% मिला है, रीपरचेज आया 12% मिला, दोनों साइड पे जो 12-12 मिलता है, ये चीज आपको इंडिया के किसी प्लान में नहीं मिलेगी, सिर्फ एक प्लान में जिसके अंदर माई लाइफ स्टाइल में जहां पे आप हो। समझ में आई क्या बात? और यही कारण है कि माइलेस्टल इंडस्ट्री के अंदर हाईएस्ट पे आउट देता है, यही एक कारण के पीछे कि ज्वाइनिंग का भी 12% और रीपर्चेज में भी। अगर इसको आसानी से समझाना है तो मैं आपको बताता हूं, माइलेस्टल के अंदर जब आपके नीचे टर्नओवर आता है आपके वीकर साइड पे, आपको क्या अलग अलग करना पड़ता है क्या कि ज्वाइनिंग का परसेंटेज अलग निकाल लो कितना है इसके अंदर, और इसके अंदर रीपर्चेज कितना वो भी बता दो, क्योंकि इसका परसेंटेज अलग है उसका अलग है, इसके लिए अलग अलग करना पड़ेगा, इस टाइप से कुछ होता है क्या? आपके नीचे टर्नओवर आया आपको 12% मिलेगा। अब ये जो टर्नओवर आया है, अगर उस हफ्ते में एक भी आदमी ज्वाइन नहीं हुआ और सारे के सारे ज्वाइन लोगों ने भी परचेज किया तो भी आपको 12 देंगे कि नहीं देंगे? और अगर उस हफ्ते में जस्ट उल्टा हुआ कि एक भी आदमी ने रीपरचेज नहीं किया पर एक आदमी ज्वाइन हुआ या 10 आदमी ज्वाइन हुए, जो भी टर्नओवर लेके आएगा 12 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये चीज आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। माई लाइफस्टाइल में 9 टाइप की इनकम मिलती है, पता है आपको? जिनको नहीं पता आज बता दिया है, ससुर का नाम भूलना मत। 9 टाइप की इनकम मिलती है, आप 9 की 9 इनकम रीपर्चेज से ले सकते हैं, ये चीज आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, सारी की सारी इनकम रीपर्चेज से मिलती है। इसी कारण से माइलेस्टाइल हाईएस्ट पे आउट देता है इंडस्ट्री में। देखिए ये मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर इंडिया की टॉप 12 कंपनियों का इसके अंदर कंपेरिजन है मेरे पास, उनका पूरा प्लान पड़ा है मेरे पास। हमारे लोग पूछते रहते कि सर इस कंपनी का नाम सुना है, इस कंपनी में हमारा लोग बोल रहा था कंफ्यूज हो रहा है, आप जरा बताओ, तो मेरे पास वो कैलकुलेशन पड़ा हुआ है। आप वहां के मैनेजमेंट को बुला लो, वहां के टॉप लीडर को बुला लो उस कंपनी का, टेबल पे बिठा के मैथमेटिक्स से लॉजिक से प्रूव करके वो उसको दिखा सकते कि वो भी बोलेगा कि नहीं हमारी कंपनी से ज्यादा माइलेज स्टाइल देता है। लॉजिक के साथ में इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, इधर कोई नारेबाजी नहीं हो रही है कि हमारा सबसे ज्यादा पे आउट है। मैं चैलेंज देता हूं, आप टॉप की कंपनी इंडिया की लेके आ जाओ, कंडीशन एक ही है, 5 साल चली हुई होनी चाहिए और प्रोडक्ट बेस कंपनी होनी चाहिए, जुगनू कंपनी नहीं होनी चाहिए। जुगनू समझते हैं? कोई भरोसा नहीं लाइट कब तक आएगी, इनको चाइना कंपनी बोली जाती है, चाइना कंपनी, जब तक चलेगा चलेगा उसके बाद का कोई भरोसा नहीं है। तो उस टाइप की कंपनी को छोड़ दो, 5 साल चली हुई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कोई भी कंपनी लेके आ जाओ, गारंटी के साथ चैलेंज के साथ प्रूव करके बता सकते कि हम उससे भी ज्यादा पैसा देते हैं। और किस लिए देते हैं वो भी आपको समझा दिया। तो आज के बाद कोई भी प्लान दिखाने आए, जो जो मैं बता रहा हूं दिमाग में डाल लेना, आज के बाद कोई भी प्लान दिखाने आए तो उसको एक ही चीज पूछना कि सर आपकी कंपनी में कितना टाइप का पे आउट ले सकते हैं, समझ रहे ना, जैसे माइलेज स्टाइल में 9 टाइप का ले सकते हैं, तो यही सवाल उसको भी पूछना आपकी कंपनी में कितने टाइप का पे आउट ले सकते हैं। अब देखिए मैं आपको 3 साल पहले का किस्सा बताता हूँ, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, अब ट्रेन में मेरे सामने एक आदमी बैठा हुआ था 2 टायर एसी में, तो उसने मेरे को बोला सर अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हमको तो 18 साल हो गए, मेरे को पता अब ये क्या दिखाने वाला है, अब उसको नहीं पता कि मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ, मतलब दिखाओ सर। अब वो चालू हुआ, गोले वोले बनने चालू हो गए, तो मैंने उसको वहीं थोड़ी देर 10 मिनट में ही रोक दिया। मैं बोला एक बात तो बताओ सर, ये सब चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आती, आप सिर्फ इतना बताओ कि आपकी कंपनी में कितने टाइप की इनकम मिलती है। तो बोलता 16 टाइप की। मतलब आप कितने टाइप की लेते हो? 16 की 16। मैं बोला सर ऐसा कैसा, अगर 16 की 16 लेते होते तो आप इस ट्रेन में यहाँ पे इंडिया में नहीं बैठे होते, इस धरती पे नहीं होते, 16 टाइप की इनकम लेते तो आप चांद पे होते और आपका घर चांद पे होना चाहिए था। आए समझ में? तो आपको जब सामने वाले को पूछोगे कितने टाइप की इनकम, तो वो बोलेगा 8 टाइप की इनकम या 10 टाइप की इनकम।
तो एक ही सवाल सामने वाले से पूछना कि ये जो 8 टाइप की इनकम या 10 टाइप की इनकम आप बोल रहे हैं आपके प्लान में मिलती है, ये 10 की 10 इनकम या 8 की 8 इनकम मैं रीपर्चेस करके ले सकता हूं क्या? सवाल समझे? 10 टाइप की इनकम रीपर्चेस करके 10 की 10 ले सकता हूं क्या? तो जैसे ये सवाल आप उससे पूछोगे ना, तो उसके बाद वो आपको ऐसे घूर घूर के देखेगा कि जैसे आप फ्रेश मतलब समझे, ताजा ताजा, फ्रेश फ्रेश पागल खाने से बाहर आए हो, क्योंकि उसने कहीं पे भी ऐसा प्लान नहीं सुना होगा जिसके अंदर रीपर्चेज में सारी इनकम ले सकते हैं। उन लोगों के प्लान कैसे होते हैं? जैसे आप पूछोगे वो बोलेगा देखो ज्वाइनिंग के इतना मिलता है, रीपर्चेज का हमारा एक अलग प्लान है, इस रीपर्चेज में ये करोगे इतना करोगे तो इतना परसेंट का इतना परसेंट मिलेगा, जलेबी प्लान। आप समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ ये सवाल पूछते जाना जो मैंने आपको बताया, सामने वाले से पूछ लेना, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो याद रहेगा ये हमारे प्लान में दम है। और एक चीज और है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, और बहुत सारे लोग उस लालच में जा चुके हैं, और वो ये चीज है कि एक दिन आने वाले टाइम में कोई भी आपका एक दोस्त उछलता उछलता भागता भागता हाफता हाफता आपके पास पहुंचेगा और आपको बोलेगा सुन सुन सुन, एक धरती फोड़ कंपनी आई है नई, जबरदस्त कंपनी है, तू एक काम कर फटाफट मेरे साथ इधर जुड़ जा, जितनी जल्दी जुड़ेगा उतनी जल्दी हिंदुस्तान तेरे नीचे लगेगा, और तू लेट मत करना नहीं बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और आप सोचोगे बाप रे बहुत लेट हो रहा है, फटाफट करते हैं नहीं तो हिंदुस्तान नहीं लगेगा। और मैं आपको बताता हूं कभी ऐसी गलती कर दी ना तो होगा क्या, आने वाले टाइम में 3 से 6 महीने में पता चलेगा या तो ये जो लीडर हाफता फाफता आपके पास आया था या तो ये कंपनी छोड़ के जा चुका है, अगर ये वही है तो कंपनी इसको छोड़ के जा चुकी है। और हिंदुस्तान कभी भी नीचे नहीं आता, भूलना मत। तो इधर या तो लीडर चला गया या कंपनी चली गई, नीचे हिंदुस्तान आता नहीं है, और ये बेचारा जो भागता भागता गया लटकता हुआ घूमता है। तो कभी भी इस लालच में आना मत। डायरेक्ट सेलिंग में आप 3 महीने में 6 महीने में करोड़पति नहीं बन सकते, महीनों लगेंगे सालों लगेंगे, सिस्टम है प्रोसेस है तब जाके आप कहीं बनोगे। कभी भी इस लालच में मत आ जाना फटाफट जाऊंगा तो हिंदुस्तान नीचे लग जाएगा, कभी भी नहीं लगता। कभी भी इस टाइप के लोग आए उसके लिए भी एक फॉर्मूला दे सकता हूं अगर आपको चाहिए तो। कभी भी इस टाइप का आदमी आएगा तो उसको एक ही बात पूछना, ये जो तेरी धरती फोड़ कंपनी है जिसके बारे में तू इतना उछल रहा है, जो तेरी सांस चढ़ी हुई है, ये कब तक चलेगी? एक सवाल पूछना। तो क्या जवाब आएगा सामने से? ये बोलेगा सारी जिंदगी चलेगी। ये बोलेगा तभी तो आप जाओगे, तो ये बोलेगा सारी जिंदगी चलेगी। तो आप उसको बोलना चल तेरी बात पे भरोसा किया, ये वाली कंपनी सारी जिंदगी चलेगी, और तेरी सेहत देख के भी लग रहा है कि माशा अल्लाह तू भी 10 साल तक कहीं हिलने वाला नहीं है, इधर ही धरती पे मिलेगा। और मेरी सेहत भी देख ले 2-4-5-10 साल तो मैं भी कहीं जाने वाला नहीं हूं, तो एक काम करते हैं 1 साल के बाद मिलेंगे, तब तक तू इसको कर और मेरे को मेरा करने दे, क्योंकि कंपनी तो सारी जिंदगी चलेगी, तू भी जिंदा मैं भी जिंदा, अगले साल देखेंगे। समझ में आया क्या? अब अगले साल क्या होने वाला मैं आपको पहले से बता देता हूं, या तो ये आएगा नहीं, और अब अगर ये आया तो एक नया प्लान लेके आएगा, और फिर ये आपको बोलेगा देख पिछले वाली में गड़बड़ हो गई, एक्चुअल में वो धरती फोड़ दी, ये धरती फाड़ कंपनी आई है धरती, और ऐसी धरती फटेगी इसके अंदर के करोड़पति की नदियां बह जाएंगी, नदियां, और इस नदिया के अंदर तू भी करोड़पति मैं भी करोड़पति, और तेरे को चाहिए तो मोहल्ले वालों को भी बना देंगे, और इंडिया में किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको सबको करोड़पति बना देंगे, क्रांति लेके आ जाएंगे, तू फटाफट इस कंपनी में आ जा। तो जब वो इस तरह से करेगा ना तो उसको फिर से एक ही सवाल पूछना, ये वाली कब तक चलेगी? तो ये आपको फिर समझाएगा उस वाली में गड़बड़ हो गई थी, अपलाइन गड़बड़ था, कंपनी गड़बड़ थी, ये गड़बड़ था वो गड़बड़ था, पर इसका मैंने पूरा रिसर्च किया 3 महीना, पूरा सर्टिफाइड, ये धरती फाड़ी कंपनी है, तो टेंशन मत ले सारी जिंदगी चलेगी। तो आप उसको एक ही बात बोलना कि सारी जिंदगी चलेगी, तेरी बात पे फिर भरोसा कर लिया, अब तेरी सेहत और मेरी सेहत वैसी की वैसी है जैसे पिछले साल थी, 10-10 साल हम लोग और चलेंगे, तो क्यों ना 1 साल तो इसी को करता रहे और मेरे को मेरा करने दे, और अगले साल फिर मिलेंगे, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आया समझ में? तो अब दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल भी वही होगा, या तो ये आएगा नहीं,
और अब की बार भी आएगा तो कोई नई कंपनी लेके आएगा, और अगर ये दूसरे टाइम भी नई कंपनी लेके आया तो अब टाइम हो चुका है कि इसकी गर्दन पकड़ी जाए और इसको उठा के माइलेज स्टाइल में डाला जाए और इसको बोला असली करोड़पति बनना है, इधर आ जा, बहुत हो गया घूम घूम के। तो कभी लालच में जाना मत, ये फॉर्मूला लगा देना। और जिनने लोगों ने लगाया वो बोलते कि सर एक साल जो आप बोलते हो ना, एक साल कहाँ, ये तो चार महीने में दूसरी कंपनी लेके आ जाता है। एक साल तो लंबा है, चार महीने के अंदर। और एक ने तो मेरे को ये बोला कि सर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एक आदमी चार प्लान लेके आया मेरे पास, एक आदमी चार प्लान। अच्छा पहला प्लान आपको अच्छा नहीं लगा, हटाओ इसको, दूसरा है मेरे पास, दूसरा आप देखो इसको, देखो क्या शानदार प्लान, अच्छा ये भी नहीं जम रहा, इसको भी हटाओ, तीसरा वाला देखो सर हिल जाओगे, इसको ये भी नहीं, चौथा वाला सर, अरे साड़ी की दुकान है क्या, दूसरा तीसरा चौथा। तो कभी भी जिंदगी में लालच में मत आना, टाइम दे देना उसको, और टाइम देने के बाद आपको यही चीज मिलेगी जो मैंने आपको बोला है, और वही आपके पास वापस माइलेज स्टाइल ज्वाइन करेगा। आप कभी छोड़ के जाना मत। समझ में आया? समझ में आया क्या? क्योंकि आपकी मेहनत का सबसे ज्यादा पैसा, जो मेहनत आप डायरेक्ट सेलिंग में करोगे, जितना भी करोगे, पार्ट टाइम करोगे, फुल टाइम करोगे, जो भी करोगे, आपकी मेहनत का सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी भी प्लान में हिंदुस्तान में मिल सकता है, उसी में आप काम कर रहे हो। और यही सोच के सारी जिंदगी करते रहना। यहाँ पे जितने भी लोग नौकरी करते हैं, आज अगर आपकी 50,000 रुपये महीना सैलरी है, 3 महीने के बाद आपको किसी दूसरी कंपनी से ऑफर आता है कि भाई हमारे इधर आके काम करो, हम तुमको 1.5 लाख रुपये महीना देंगे, तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे। क्यों? मेरे टाइम का पैसा उधर ज्यादा मिल रहा है। तो आज डायरेक्ट सेलिंग में आप इस चीज से निश्चिंत हो जाओ कि आपकी मेहनत का अगर सबसे ज्यादा पैसा कहीं मिलेगा तो वहीं पे आप हो, राइट लेफ्ट बिना देखे सारी जिंदगी यहीं पे लगे रहना। कोई भी आएगा ये परसेंटेज, कोई भी आएगा वो परसेंटेज, बोले भाग इधर से। आया समझ में? हमारे प्लान में दम है? तो हमारे प्लान की जो चीज बताई समझ में आ गई, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी, हाईएस्ट पेइंग प्लान है और रीपर्चेज और ज्वाइनिंग में सेम परसेंटेज है, 9 की 9 इनकम आप रीपर्चेज से ले सकते हैं, ये चीज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो आप मैनेजमेंट की तरफ चले। अब कुछ लोग सोच रहे हैं मैनेजमेंट की क्या जरूरत है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, इतना ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, जहां पे आपको सारी जिंदगी रुकना है, खाली प्रोडक्ट और प्लान से काम नहीं चलता, 2-3 साल के बाद अगर वो कंपनी इधर से उधर भाग गई तो वहां पे क्या खेती कर करके करोड़पति बनोगे? तो मैं सारी जिंदगी रुकूंगा तो कंपनी भी तो वैसी होनी चाहिए कि वो भी सारी जिंदगी रुकेगी, तब तो जाके करोड़पति बनेंगे। तो प्लान प्रोडक्ट से काम नहीं चलता, ये भी याद रखना। मैनेजमेंट का बैकग्राउंड और मैनेजमेंट भी पता होनी चाहिए जिसके साथ, इसके लिए मैनेजमेंट की जानकारी होना जरूरी है, चाहे ये वाली हो, चाहे कोई भी समझाने आया हो वो वाली हो। समझ में आया क्या? Yes. या फिर एक शादीशुदा से सवाल पूछो तो समझ में आएगा? Yes. हाँ, yes, सारे कुंवरों की आवाज निकल रही है, शादीशुदा भी बोल दो कुछ, यस नो कुछ तो, हाँ yes, शादीशुदा भी राजी हो गए। देखो तो सवाल ये है, दो टाइप से शादी होती है, अरेंज मैरिज और लव मैरिज, कोई तीसरी वैरायटी है क्या? मेरी नॉलेज में दो ही टाइप से। अब जो लव मैरिज करते हैं हम लोग, हम प्यार कितने भी लोगों से कर ले जिंदगी में, शादी उसी से करेंगे जिससे हमारा कुछ मैच होगा, ख्यालात मैच हो, कुछ ना कुछ मैच हो, तब जाके एक से करेंगे। पर सब रिसर्च करके ही करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे यस के नो। तो लव मैरिज में हम रिसर्च करेंगे, पर अरेंज मैरिज में घर वाले करेंगे, पर वो भी रिसर्च करेंगे कि नहीं करेंगे? सब जांच पड़ताल करने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि तेरी शादी यहां पे होगी, ये रिश्ता यहां पे तय होगा, हमने सब चेक कर लिया, सब चेक होने के बाद ही तो ओके होता है दोनों टाइप की शादी में। आपके इधर ऐसा तो नहीं होता ना कि आज मूड अच्छा है और मौसम भी अच्छा है और घर से बाहर निकले, जो पहला मिला आ जा तेरे से ही कर लेते चल, ऐसे करते है क्या? क्यों नहीं करते? सारी जिंदगी का सवाल है, सब चेक करके रिसर्च करके फिर जाके हाँ करेंगे, क्योंकि शादी है और सारी जिंदगी का सवाल है। ऐसी ये कैरियर है डायरेक्ट सेलिंग, करोड़पति बनना है रिसर्च करके, तब जाके यहाँ पे काम करना चाहिए। समझ में आया क्या? तो मैनेजमेंट समझाऊं? तो देखिए मैनेजमेंट के ऊपर चलते हैं।
हमारा मैनेजमेंट एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, हर एक कंपनी के अंदर सीनियर मैनेजमेंट का लेवल होता है। हर एक कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट होगा कि नहीं होगा? तो माइलस्टाइल के सीनियर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो माइलस्टाइल में जो सीनियर मैनेजमेंट का लेवल है वो स्टार्ट होता है रीजनल मैनेजर से। और पूरे इंडिया में 7 रीजनल मैनेजर है, जैसे आप लोग जहां पे भी रह रहे हैं आज उत्तर प्रदेश, ये नॉर्थ जोन में आता है और यहां के रीजनल मैनेजर है भरत जैन जी और राज ठाकुर जी, ये यहां के रीजनल मैनेजर है और ये मेरे को 3 दिन के बाद फिर मिलने वाले हैं और आप लोगों की फोटोएं खींच ली है मैंने, खींच ली है ना सर, आज की मीटिंग की फोटोएं तो खींच ली ना। तो जब मैं इनको मिलूंगा तो इनको मैं यही बोलूंगा, इन फोटो को पहचानो, एक एक आदमी को नजर में डाल लो, ये सारी जिंदगी माइलस्टाइल करेंगे। इन्होंने हाथ उठाए और एक बार नहीं उठाए, 50 बार उठाए और आपका नाम लेने के बाद इन्होंने ताली नहीं बजाई। कभी भी इनका काम बढ़ेगा सारी जिंदगी सलट लेना। तो जैसे ये 2 रीजनल मैनेजर, ऐसे 5 और है पूरे इंडिया में। आज इन लोगों को अपने अपनी लाइफ का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। तो सारे रीजनल मैनेजर हर एक को डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस, इसके ऊपर का लेयर है वो है वाइस प्रेसिडेंट, जिसमें से एक आपके सामने 18 साल का एक्सपीरियंस। दूसरा सुनील सिंह जी जो चेन्नई में बैठते हैं, उनको 20 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, वो वीपी एडमिन है। तो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर है COO सलील मैटूदी, उनको 25 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। और हम सब के ऊपर CEO के भी ऊपर एक और पोस्ट है CEO कैलाश भट्टर जी, जो हम सब के बॉस है, उनको 21 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। तो देखिए रीजनल मैनेजर हर एक आदमी को उसके खुद का लाइफ का डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस, इसको जोड़ लीजिए। वाइस प्रेसिडेंट 2 इनको इनके लाइफ के एक्सपीरियंस को जोड़ लीजिए और नीचे वालों के साथ मिला लीजिए। ऐसे CEO का और CEO का भी लाइफ एक्सपीरियंस इन सब में जोड़ दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि माइलस्टाइल 180 साल प्लस एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के साथ में आप काम कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग का। 180 ईयर्स, समझ में आ रहा है आपको? तो सामने वाले से ये सवाल पूछना, जितने भी बता रहा हूं भूलना मत, सामने वाला जो भी प्लान दिखाने, एक सवाल पूछना, तुम्हारे इधर सीनियर मैनेजमेंट है क्या? तो वो बोलेगा है। तो उसको बोलना कितने लोग हैं सीनियर मैनेजमेंट में? तो बोलेगा इतने 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 लोग हैं। तो बोलना इन सब की लाइफ का डायरेक्ट सेलिंग का कितना एक्सपीरियंस है टोटल करके बताओ। तो मैं आपको बिना किसी के जवाब का इंतजार किए गारंटी के साथ बता सकता हूं, 180 साल प्लस एक्सपीरियंस मैनेजमेंट अगर इंडिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मिलेगा तो उसी के अंदर आप हो, और वो है माइलस्टाइल। आज आप सबसे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के साथ में काम कर रहे हो इंडस्ट्री में। किसी कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को इतना डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है ही नहीं इंडिया में। अब ये एक्सपीरियंस इस मैनेजमेंट को किस चीज का है? एक्सपीरियंस है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने कैरियर में, इस मैनेजमेंट ने जितने लखपति करोड़पति अचीवर्स और सक्सेसफुल लोग डायरेक्ट सेलिंग में जितने इस मैनेजमेंट ने निकाले हैं ना अपने जीवन काल में, आप इंडिया की 2 टॉप की कंपनियों के उनके खुद के अचीवर्स का टोटल कर लो, ये वाली मैनेजमेंट का आपको ज्यादा मिलेगा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अचीवर निकालने वाला अगर कोई मैनेजमेंट है तो उसी के साथ में आप काम कर रहे हो। और ये कोई मोटिवेशन नहीं है, फैक्ट के साथ में हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो आप कैसी मैनेजमेंट के साथ में जो एक्सपीरियंस भी है, और एक्सपीरियंस किस चीज का है? लोगों को सक्सेसफुल बनाने का एक्सपीरियंस जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी के पास है तो वो माइलस्टाइल, जिसके अंदर आप हो। हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन भी है, नाम बताए क्या नाम है? लड़की लोगों को एक ही नाम पता है, निखिल चंदन सर, बस इनकी गलती नहीं है, वो तो दिखने में ही स्मार्ट है, ऐसे क्या देख रहे मैं आपको बताता हूं, मेरे को एक फीमेल, यंग फीमेल का मैसेज आया, सर निखिल सर का नंबर मिलेगा क्या? तो बोला निखिल सर का नंबर तो मेरे पास नहीं है, उनके पापा का है, आपको चाहिए तो भेज दूं। इसके लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे लेडीज लोगों को पता होगा निखिल भाई, क्योंकि दिखने में स्मार्ट है, यंग है, सब कुछ है, पर बाकी लोगों को पता है कि नहीं पता है कि स्टोरी में घुस गए। तो देखिए आज उनकी उम्र 23 साल है, 20 साल की उम्र में उनके पिताजी, उनका नाम है प्रवीण चंदन सर, जो नेटवर्क उद्योग सम्राट है, लाखों लोगों की जिन्होंने लाइफ बनाई है,
और उनके लिए ताली बजाना है तो दिल से बजा लो, यहाँ सत्संग वाली नहीं चाहिए मेरे को। अगली बार म्यूजिक बजाया आईडी ब्लॉक कर दूंगा मैं फिल्म। बैठ जाइए। एक बात बताइए सर, या लड़कियां बैठी होंगी आज, उनका जो सर्कल होता है, जो सोच होती है 23 साल की उम्र में होता है कि उनके फ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड होती है और दोस्त होता है और घूमना होता है, यही होता कि नहीं होता 23 साल की उम्र में? तो आज उनका जो गर्लफ्रेंड है वो माइल्ड स्टाइल के लीडर या मैनेजमेंट है, आज उनके फ्रेंड माइल्ड स्टाइल के लीडर या मैनेजमेंट है, उनकी दुनिया ही माइल्ड स्टाइल हो चुकी है 23 साल की उम्र में, इतना पैशन है आज और कोई दुनिया ही नहीं है उनकी। तो आने वाले टाइम में इनको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी एक्सपीरियंस मिलेगा, इसके बाद इनको कोई ना कोई रोल मिलेगा कंपनी में कि भाई आप मैनेजमेंट की तरफ से ये रोल निभाओ, और उसके बाद ये अपने कंधे पे माई लाइफ स्टाइल को आगे लेके नेक्स्ट जनरेशन तक जाएंगे। तो देखिए दूसरी कंपनियों में उधर का ही जनरेशन दिखाई नहीं देता, नेक्स्ट जनरेशन तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट जनरेशन दिखाई दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? और आपके लिए क्या ये मायने रखता है वो भी समझा देता हूं। नेक्स्ट जनरेशन आपके लिए क्या मायने रखता है तो भूलना मत, आप लोग आए हो इस इंडस्ट्री में जबरदस्ती, भूले तो नहीं ना, नहीं मोटिवेट होके भूल ही गए कि मैं जबरदस्ती आया था। तो आप आए जबरदस्ती डाले हुए पैसे निकालने के लिए, पर जैसे तैसे लुढ़कते पुड़कते यहां तक आज पहुंच गए, और हो सकता है कल से आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि नहीं आप डेली करेंगे, सारी जिंदगी करेंगे, तो आप डेली करोगे। तो डॉक्टर साहब की इच्छा क्या है कि मेरे से भी जबरदस्त डॉक्टर बने, बात सही है कि नहीं है? मैं जितना भी सक्सेसफुल बनूं मेरे से 100 गुना ज्यादा ये सक्सेसफुल बने। तो जैसी इसकी इच्छा हुई कि डॉक्टर बनने की, इनकी इच्छा है कि ये सक्सेसफुल बने और ये बड़ा होता है, और जैसी ये समझदार हो जाता और पढ़ा लिखा हो जाता, तो क्या ये एक दिन बेडरूम में बुला के 20 22 23 साल की उम्र में अपने बच्चे को बुला के ये बोल सकते क्या बेडरूम में, देख बेटा तू मेरा लड़का है और तू डॉक्टर बनना चाहता है तो एक काम है, ये मेरा फर्ज बनता है कि एग्रीमेंट बनाए, तू भी साइन कर मैं भी साइन करता हूँ, कल से मेरी डिग्री तेरे नाम पे ट्रांसफर कर दी, कल से तू डॉक्टर। हो सकता है क्या? यहाँ पे जितने सरकारी नौकरी कर रहे हैं आपका कोई भी पोस्ट होने दो, जिस दिन आप रिटायर हो गए अपना कुर्सी ट्रांसफर करके बच्चे को दे सकते हैं, प्राइवेट जॉब वाले दे सकते हैं, डॉक्टर अपनी डिग्री दे सकता है, ये सारे के सारे लोग अपना एक्सपीरियंस बच्चे को ट्रांसफर करके दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। आज अगर डॉक्टर साहब को अपने बच्चे को अगर डॉक्टर बनाना है तो सपोर्ट दे सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, पर डॉक्टर सर्टिफिकेट अपना वो ट्रांसफर करके, डिग्री अपना ट्रांसफर करके नहीं दे सकता। अब ये क्या सपोर्ट दे सकते हैं? पैसे का सपोर्ट, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे, जो अपने से बनता है पैसे का सब कुछ करके देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? फिजिकल सपोर्ट दे देंगे, मॉरल सपोर्ट दे देंगे, मेंटल सपोर्ट दे देंगे, पैसे का सपोर्ट दे देंगे, सब चीज करेंगे और दिल से करेंगे, पर एक चीज नहीं कर सकते, वो क्या? क्या अपनी डिग्री और अपना एक्सपीरियंस नहीं दे सकते, चाहते हैं पर दे नहीं सकते। ये हर एक माँ बाप के साथ प्रॉब्लम है कि नहीं है? आज वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा ही एक्सपीरियंस डे वन से ले ले, पर दे नहीं सकते। आज कोई भी प्रोफेशनल ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से भी बड़ा प्रोफेशनल बने और मेरी डिग्री नहीं दे सकते। ये आम माँ बाप उसी तरह रहते कि नहीं रहते? आप भी ऐसे ही रहते कि नहीं रहते? आपकी इच्छा है कि मेरा बच्चा सपना स्टार्ट किया, अब जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने अपनी भी आईडी डाली, बच्चे की भी आईडी डाली, लड़की की भी आईडी डाली और वाइफ की भी आईडी डाली। लड़के का नाम शशांक शेट्टीकर पता ही है ना आप लोगों को? उनकी लड़की का नाम शर्मिला शेट्टीकर, नाम पता है ना? वाइफ का नाम लवली शेट्टीकर। चारों की आईडी डाल के उन्होंने 15 साल पहले काम करना चालू किया सीरियसली। तो अब से 4-4.5 साल पहले जब वो शशांक मेरे ख्याल से 23 साल का हुआ, तो शेट्टीकर साहब के सामने जाके उसने बोला कैरियर स्टार्ट करना है। तो उन्होंने क्या किया, जो अपने बच्चे की आईडी डेवलप करते हुए आ रहे थे, लड़के की आईडी, वो आईडी उस टाइम तक आईटीसी प्लेटिनम बन चुकी थी, तो वो आईडी उठा के अपने बच्चे को ट्रांसफर करके दी, आईटीसी प्लेटिनम आईडी ट्रांसफर करके दी। तो जिस दिन वो आईडी ट्रांसफर हुई उसके अगले सेकेंड से वो आईटीसी प्लेटिनम कहलाया गया और स्टेज पे उसको वही नाम से बुलाया गया। तो ये डिग्री ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई पिताजी की?
अरे हुई कि नहीं हुई? डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर की डिग्री नहीं दे सकता, पर शेट्टीकर साहब ने आईटीसी प्लेटिनम का 15-17 लाख रुपए आना चालू हो, सोच के देखो 15-17 लाख रुपए महीने का, कितनी लंबी लाइन लगेगी। और 24,000 लोगों को इस मैनेजमेंट ने 15% एडिशनल प्रोडक्ट दिए, जिसका टोटल आया था मैनेजमेंट के बिल के ऊपर 27 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट फ्री में बांटे अपने लोगों को, 15%, 27 करोड़। और ये पैसा कहां से आया? प्रॉफिट से। हाईएस्ट पेइंग प्लान होते होने के बाद भी 27 करोड़ रुपए जेब से बांटा आप ऐसे मैनेजमेंट के साथ में काम करते हो। और ये कॉन्टेस्ट क्यों निकाला गया था? क्योंकि उस टाइम पे अनलॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था और कंपनी के दिमाग में एक ही था कि जो लोग सीरियसली माइलेज स्टाइल कर रहे, क्योंकि अपनी फैमिली है तो क्यों ना अपनी जेब से कुछ और इंसेंटिव दिया जाए ताकि इनके घर पे और ज्यादा पैसा पहुंचे और ऐसे मुश्किल टाइम में ये लोग आराम की जिंदगी जिए। ऐसे मैनेजमेंट के साथ में आप काम करते हो, समझ में आया क्या? और अगर आपको लगता है कि उस टाइम पे ये डाल के गलती हो गई, जब 27 करोड़ गया तो मैनेजमेंट हिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेकंड लॉकडाउन आया और लॉकडाउन आते ही फिर से एमआई प्रोडक्ट चैंपियन फिर से लेके आए। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस करने वाले जितने भी एक्टिव लोग हैं आज, उनको सपोर्ट देने के लिए फिर से जेब से फ्री 15% का प्रोडक्ट देने के लिए स्टार्ट किया। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, ये सब मैनेजमेंट को करने की जरूरत थी क्या एमआई प्रोडक्ट चैंपियन की? नहीं थी। हाईएस्ट पेइंग प्लान है, जिसको करना है करेगा, जिसको मिलेगा वो लेके जाएगा। पर ये मैनेजमेंट ऐसा नहीं है, इसके पास दिल भी है। तो अपनी जेब से 27 करोड़ के प्रोडक्ट पिछले साल बांटे और इस साल भी जितने भी लोग एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बनेंगे उनको भी 15% देगा। तो आप ऐसे मैनेजमेंट के साथ में काम करते हो, आया समझ में? अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस मैनेजमेंट ने 27 करोड़ अपने प्रॉफिट से प्रोडक्ट बांटे। अगर यही दूसरी कंपनी होती तो प्रॉफिट से कुछ भी नहीं देते, प्लान के हिसाब से लेते जाओ, तुम्हारा बस खत्म, तुम्हारा बिजनेस तुम जानो। और अगर उन्होंने 27 करोड़ का उधर प्रॉफिट कमाया है ना, तो वो लोग अपनी नए नए बड़े बड़े आलीशान ऑफिस बनाते हैं, सही है कि नहीं है? तो वहां के कई मतलब अपने ही लोग, कुछ लोग आके मेरे को बोलते सर आपने वो कंपनी का ऑफिस दिखा, क्या जबरदस्त ऑफिस है, हमारे ऑफिस थोड़े छोटे छोटे हैं सर, वो ऑफिस देखो ऐसा होना चाहिए। तो मैं उसको एक ही बात बोलता, चल आलीशान ऑफिस बनाया, करोड़ों का बना दिया, तू एक चीज बता, इसके अंदर से एक ईंट भी तेरी है क्या, या एक ईंट भी तू उठा के तेरे घर पे लेके जा सकता है क्या? तो बोलता नहीं सर। तो मैं बोला फिर क्या तू देख देख के खुश हो रहा है? बोला हाँ सर देख देख के खुश हो रहा। तो बोले देख देख के ही खुश होना है तो तू बॉम्बे गई है ना भाई, मुकेश अंबानी की बिल्डिंग देख के खुश हो, जब तेरे को देख के ही खुश होना है। तो आज वो भी एक ईट नहीं देने वाला, ये भी एक ईट नहीं देने वाला, देख के ही खुश होना, तो अच्छी वाली चीज देख के खुश होना। तो मैं आपको बताता हूं, वहां पे जो कंपनियां प्रॉफिट कमाती है वो अपना खुद का बिल्डिंग ये सब बनाती है। माइल स्टाइल जब प्रॉफिट बनाती है तो अपने ही लोगों में बांटती है, और हमारे इधर आपको अपने लीडर्स के बड़े बड़े आलीशान मकान और गाड़ियां मिलेंगी, यहाँ पे लीडर के पास आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी, मैनेजमेंट के ऑफिस छोटे छोटे मिलेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ये सोचता है कि जो भी हमारे साथ जुड़े ये सक्सेसफुल बने, वहां पे ये सोचते हैं कि जो भी जुड़े मत जुड़े हम सक्सेसफुल बनो। यही सबसे बड़ा फर्क है माइल स्टाइल में और बाकी कंपनियों में, समझ में आया क्या? इस साल में 1 लाख रुपए जिन टीसीएन अबव एक्टिव लोगों की कोरोना रिलेटेड डेथ होने वाली थी, तो मैनेजमेंट ने 15 अप्रैल के बाद से ये डिसाइड किया कि 15 अप्रैल इस साल के बाद से अगर किसी भी टीसी होल्डर की, एक्टिव टीसी होल्डर या इससे ऊपर की किसी भी रैंक होल्डर की अगर डेथ हुई तो 1 लाख रुपए मैनेजमेंट अपनी जेब से उसके नॉमिनी को देगा। और 137 लोगों को दिया है, 137 रैंक होल्डर चले गए माई लाइफ स्टाइल से, ये पिछले अप्रैल से लेके अब तक 137 लोग रैंक होल्डर ऊपर चले गए बेचारे, एनटीसी लेवल से लेके टीसी लेवल तक की बात कर रहा हूं, एनटीसी तक ऊपर चले गए, 1 लाख रुपए दिया है। अब आप मेरे को बताओ ये सब करने की जरूरत थी क्या? तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि मैनेजमेंट के पास दिल भी है। तो आज अगर प्रोफेशनली चलने वाली और दिल के साथ चलने वाली अगर इस इंडस्ट्री में कोई मैनेजमेंट मिलेगी तो उसी के साथ आप काम कर रहे हो। तो आप माई लाइफ स्टाइल में आए खाली एक कंपनी में नहीं आए, अगर आप सीरियसली इधर काम करके कैरियर बनाने के लिए आए हो तो आप समझ लेना आप एक फैमिली में आए हो जिसमें एक हिस्सा आप हो और दूसरा हिस्सा मैनेजमेंट है। तो हमारे इधर इतने सालों के इतने सारे लीडर जो हमारे साथ से आज सालों से काम कर रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे लीडर जो इतने सालों से इसी मैनेजमेंट के साथ में काम कर रहे, इतनी बड़ी लिस्ट पूरी इंडिया में कहीं मिलेगी तो सिर्फ माई लाइफ स्टाइल में मिलेगी।
ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो यहाँ पे आता है और जो सक्सेस बनता है उसको मालूम है अब एक फैमिली में आया हूं, सारी जिंदगी इसी फैमिली में रहूंगा। यहां पे कितने लोग हैं जो दूसरी किसी कंपनी से आए, मतलब पहले कहीं दूसरी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग करते थे और फिर अब माई लाइफ स्टाइल में आए, एक दो तीन चार। मैं वो सर से ही पूछता हूं जो वीडियो बना रहे हैं, सर आप जिस कंपनी से आए मेरे को उसका कोई नाम सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ इतना पता करना है कि उस कंपनी में आप कभी आमने सामने वहां के सीनियर मैनेजमेंट को मिले क्या? नहीं मिले, बैठ जाइए। या आप जितने लोगों ने हाथ खड़े किया आप उनसे पूछेंगे यही जवाब मिलेगा, अगर कंपनी ठीक ठाक है और बड़ी है सीनियर मैनेजमेंट दिखाई नहीं देगा आपको, वहां पे सीनियर मैनेजमेंट दिखाई देगा तो साल में एक बड़ा एनुअल फंक्शन होगा, 10,000 लोग जमीन में होंगे और ये लोग स्टेज पे होंगे और इस 10,000 में से आप हाथ हिला रहे होंगे और सामने से मैनेजमेंट स्टेज के ऊपर से हाथ हिला रहा होगा और आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जो 9,999 लोग हैं इसके लिए नहीं मेरे लिए हाथ हिला रहे हैं सारे के सारे। और वहां पे अगर उनको देखने की इच्छा है ना आपकी, तो देखने के लिए अगर आपको ये कहीं पे भी मिलेंगे वहां के सीनियर मैनेजमेंट तो वहां के डायरी कैलेंडर में या फोटो में देखने को मिलेंगे, बाकी कहीं देखने को नहीं मिलते। मेरी बात समझ में आई? और एक माई लाइफ स्टाइल है, इस हॉल के अंदर आप मेरे को मिलने आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए? इतना झूठ बोलोगे 3 बजे लंच करूंगा, मिलने कौन आया हुआ है? तो मैनेजमेंट आपको आपके शहर में मिलने के लिए आया है। ये चीज इंडिया में किसी भी कंपनी में होती है तो सिर्फ माई लाइफ स्टाइल में होती है। अगर आपको यहां पे बिजनेस की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताता हूं सीनियर मैनेजमेंट का एक एक आदमी आपको फील्ड पे मिलेगा, ऐसी मैनेजमेंट है। अगर आपको बिजनेस के सपोर्ट के लिए आपके शहर में जरूरत पड़ेगी तो यहां पे मैनेजमेंट आके आपको सपोर्ट देगी। अगर आपके मोहल्ले में जरूरत पड़ेगी तो मैनेजमेंट मोहल्ले में भी जाके सपोर्ट करेगी, और अगर आपको घर पे बिजनेस की सपोर्ट की जरूरत है मैनेजमेंट वहां पे भी जाके आपको सपोर्ट देगी। आप ऐसे मैनेजमेंट के साथ में काम कर रहे हो। और ये चीज क्यों जरूरी है वो भी समझा देता हूं। सारी जिंदगी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर बना के और एक ही कंपनी में काम करोगे तो बड़े बड़े चैलेंज आएंगे, पर अगर आप माई लाइफ स्टाइल में हो और बड़े बड़े चैलेंज तो आने ही वाले हैं, तो जब जब बड़े बड़े चैलेंज आएंगे तो मैनेजमेंट का आदमी आसपास मिलेगा आपके पास, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला के बात करेगा और मिलेगा और बताएगा, तो आपका वो चैलेंज सॉल्व होगा तो आप आगे से आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो ये जो सुविधा आपको मिली है कि मैनेजमेंट आसपास है, ये सुविधा बाकी कंपनी लीडर और डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मिलती। वो लोग बेचारे अपने आप ही जूझते रहते, वो भी बड़े बड़े चैलेंज फेस करते, जो फेस कर गया जिसने सोल्यूशन खुद ही निकाल लिया वो टिक गया, बाकी सब निकल गए। तो ये जो चीज आपको यहाँ पे मिली है ये चीज इंडिया में भी किसी के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है, वो जो है मैनेजमेंट फील्ड पे आके आपको सपोर्ट देता है। समझ में आया क्या? अभी अचानक से मेरी आवाज 15 सेकंड के बाद पहुंचना स्टार्ट हो गई क्या? तुरंत पहुंच रही है ना? तो हमारे मैनेजमेंट में दम है, तो हमारे प्रोडक्ट में दम है, हमारे प्लान में दम है, हमारे मैनेजमेंट में दम है। अब इसके बाद बचा कौन? अब आप में दम होगा तो सारी जिंदगी यहां काम करोगे, बड़े से बड़ा चैलेंज फेस करोगे, एक चीज ये सोच के चलोगे कुछ भी हो जाएगा छोड़ूंगा नहीं, तब जाके आप भी यहां पे करोड़पति बन जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए मैं आपको फिर दोहरा देता हूं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये जिंदगी में आप अपने इनकम का लेवल जो बाहर काम कर रहे हो वो करके अपने इनकम का लेवल चेंज ही नहीं कर सकते। ये बात तय है, इनकम के लेवल की बात हो रही है। 20 से सीधा 3 लाख, 50 से सीधा 5-10 लाख इस जिंदगी में आप नहीं कर पाओगे। अब आपके पास अगर कहीं पे भी चांस है अपनी इनकम, अपनी सोच, अपना बजट इस जिंदगी से बाहर आने का, तो वो एक ही तरीका है, वो है माई लाइफ स्टाइल, जिसके अंदर आपको जबरदस्ती धक्का मार के डाला गया है और लुढ़कते पुढ़कते आप इस हॉल तक पहुंच गए। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप इस जिंदगी में अपनी सोच चेंज नहीं कर सकते। सोच का डायरेक्ट रिलेशन आपकी इनकम से होता है, और इस इनकम को और इस सोच को आप इस जिंदगी में चेंज नहीं कर सकते। आपको चाहिए तो मैं एक दूसरे तरीके से एक डेमो देके आपको समझा सकता हूं। 3, 4, 5 ये तो रूम में ही मिल जाएंगे सारे के सारे। देखिए समझ लीजिए, आज शाम को 6 बजे आपके मोबाइल पे
आप ही के बैंक से एक मैसेज आता है कि आपके खाते में 1,00,000 रुपए क्रेडिट हुए, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? दिमाग हैंग हो जाएगा, जिंदगी में नहीं हुआ कभी ऐसा, पर फिर भी सोचो कैसा लगेगा, अच्छा लगे? अरे जो घूर घूर देख रहे, मैं नहीं देने वाला है, सोच के देखो कैसा लगेगा। कुछ लोगों को तो भरोसा ही नहीं होगा, मेरा मोबाइल है क्या? आज तक तो 100 रुपए भी नहीं है, 1,00,000 रुपए, 0 बराबर है कि नहीं है, अकाउंट नंबर बराबर है कि नहीं है, पर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आपकी की जिंदगी छोटे छोटे काम सोच के देखिए कितने अटके पड़े। आज अगर 1,00,000 रुपए 6 बजे आ गया तो कितने छोटे छोटे काम मेरे हो जाएंगे, बात सही है। दूसरा मैसेज आता है कि ये पैसा किसी को वापस नहीं देना है। बाप रे, ये तो डबल, एक तो 1,00,000 आया नहीं जिंदगी में कभी, वही हजम नहीं हो रहा, ऊपर से ये बोलता है कि किसी को वापस नहीं देना, क्योंकि जिंदगी में जितना भी बड़ा पैसा आया है वो सब का सब लोन का आया है और वो किस्तें आज तक हम भर ही रहे, तो इतना बड़ा पैसा भी नहीं आया और बोलते वापिस नहीं देना। अब तो वही वाली बात है कि हजम नहीं हो रही, मतलब आप समझ रहे ना बात को, डीजल गाड़ी में पेट्रोल डल गया। अब तीसरा मैसेज, 24 घंटे में खर्चा करना है। अब तो नैया ही डूबगी, ये तो कभी भी नहीं किया, सोच के ही पसीने आ जाते हैं, क्योंकि आज तक जितना भी खर्चा किया बजट में किया और 10 दिन पहले सोचा और फिर जाके किया, और ये बोलते 24 घंटे में खर्चा करो, तो दिमाग हैंग होगा कि नहीं होगा? पर ये अच्छा वाला हैंग हो रहा है, वो वाला नहीं हो रहा है, अच्छा वाला हैंग हो रहा है, सुकून के साथ हैंग हो रहा है। 1,00,000 रुपए आ रहे, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे लगेगा तो हाँ बोलो, भले ही मोबाइल चेक करना। तो जब 1,00,000 रुपए खर्चा करने का मैसेज आएगा ना, तो आदमी लोगों को 5 मिनट लगेगा सोचने के लिए, क्योंकि जिंदगी में आदत नहीं है 1,00,000 एक साथ खर्चा करने की, तो लिस्ट भी नहीं लगेगा। लेडीज लोगों को 2 मिनट लगेगा, आदमी को 5 मिनट, लेडीज को 2 मिनट, पर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा दोनों के दोनों को? अगला दिन फिर 6 बजे दूसरा 1,00,000 रुपए आया, आदमी लोग और डबल हैंग, ये क्या हो रहा है भगवान मेरे साथ, सब सच हो रहा है क्या, बहुत टेंशन में, पर ये सुख वाला टेंशन है, विश्वास नहीं हो रहा, पर हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। कल तो जैसे तैसे 1,00,000 रुपए ठिकाने लगा दिया, अभी 1,00,000 और भेज दिया भगवान ने, अब इसका क्या करूं, आदत नहीं है खर्चा करने की। तो आज 5 मिनट आदमी को लगेंगे, कल जब दोबारा से 1,00,000 रुपए आएगा तो 7 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्योंकि आदत नहीं है। लेडीज लोगों का जस्ट उल्टा है, पहला दिन 2 मिनट, अगला दिन 2 सेकेंड, क्योंकि इन लोगों को बचपन से पता है कि इनको लाइफ में क्या क्या चाहिए, सारी जिंदगी ये सिर्फ पैसे आने का इंतजार करती है, इनको पता है पैसा जाएगा कहां, आए तो सही, बात सही है कि नहीं है? आप लोग ऐसे क्या देख रहे लेडीज लोग मेरे को, मैं भी शादीशुदा हूं और ऊपर वाले की दुआ से और मेरे संस्कार से, वो भी फीमेल ही है, वो भी ऐसी बैठी रहती है आने का इंतजार करती रहती, उसको सब पता है जाना कहां है, बात सही है कि नहीं है लेडीज लोग? तीसरा दिन 1,00,000 रुपए आया, अब तीसरे दिन एटीट्यूड चेंज हो गया, अब आदत पड़ रही है, आके मैसेज आया 1,00,000 रुपए आ गया, ये तो आना ही था। चौथा दिन आदत पड़ गई, पांचवा दिन सोच चेंज हो जाएगी, जब 5,00,000 रुपए आएगा 6 बजे, पांचवा दिन सोच चेंज होगी कि नहीं होगी? कैसे होगी वो भी समझा देता हूं, समझाऊं? 6 बज गए शाम के, 5वां दिन 5,00,000 रुपए आ चुका है, आप घर पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, टीवी देख रहे हो, अचानक से आपको आपकी टीवी का साइज छोटा लगने लगेगा, कुछ दिखाई नहीं देता इसमें, ये जो लिखा रहता ना सबटाइटल, पता नहीं बड़ा वाला चाहिए, ये कहां 42 इंच का, 65 इंच का चाहिए, 65 वाला लाएंगे। अब सोचो ये 5,00,000 जब नहीं आया था, आप ही के घर पे आप ही के घर वाले ये वाली टीवी आपसे बिना पूछे और आपको बिना लिए जाके लेके आए थे, और जब ये टीवी उस टाइम आया था जब 5,00,000 नहीं आया था और घर वाले लेके आए थे, तो आपने इनके ऊपर पूरी राशन पानी लेके आप चढ़ गए थे, इतना बड़ा टीवी उठा के लेके आ गए बेवकूफ लोग, इतनी बड़ी तो घर में दीवार भी नहीं है,
इतना बड़ा टीवी उठा के लेके आ गए। एक बात बताओ मूर्खो, इतने बड़े टीवी में या छोटे टीवी में अमिताभ बच्चन तो दोनों में एक ही दिखाई देता है कि नहीं देता है? तो छोटा वाला लेके आते तो कुछ और सामान आ जाता, तो कुछ बैंक में पैसा बच जाता, सारा का सारा एक टीवी में फूक के आ गए। ऐसे गधे लोग आ गए हमारे खानदान के अंदर। आप ही ने ये सब सुनाया था कि नहीं सुनाया था? और ये 5 लाख आने के बाद अचानक से आपको खुद को वही टीवी का साइज छोटा लगने लगा कि नहीं लगा? और जिस सोफे पे आपने 1.5 साल निकाले हैं कोरोना काल में बैठ बैठ के, इतना बड़ा खड्डा कर दिया उसमें बैठ बैठ के, 5 लाख आने के बाद अचानक आपको लगेगा कि इसमें स्प्रिंग चुभ रहे हैं, जबकि हकीकत में स्प्रिंग ही नहीं है उसमें, पर फीलिंग वही आ रही है। ये सोफा बदलना पड़ेगा, आप तो वो वाला लाएंगे, मतलब डेंसिटी वाला, लेदर वाला, वो वाला चाहिए। फिर आपकी नजर पड़ती है आपके किचन पे फ्रिज पे, 5 लाख आने के बाद अचानक से वही फ्रिज आपको जनरेटर दिखाई देगा, जनरेटर। और आपने सर घर वालों को बुला के बोलोगे, तुम लोग सच सच बताओ ये हमारे घर में फ्रिज नहीं जनरेटर है कि नहीं है? कंप्रेसर इतनी जोर से भर भर की आवाज करता है, रात को सोने नहीं देता है, बेचो इसको और कल से वो ट्रिपल डोर लेके आओ, साइलेंट वाला। सुना है कि नहीं सुना तुम लोगों ने? साइलेंट। फिर नजर जाती है खिड़की के बाहर आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे, 5 लाख आने के बाद आपको ये लगेगा कि ये जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर मेरा खड़ा है, पूरा उत्तर प्रदेश सबसे खटारा अगर कोई 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है तो वो ये खड़ा है, वो ये वाला। और यही जब 5 लाख रुपए नहीं आए थे, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त नातेदार रिश्तेदार सब आके बोल गए थे खटारा को भेज दो, खटारा को भेज दो, तब उसको क्या बोलते घूमते थे? इसको नहीं बेचूंगा, इमोशनल अटैचमेंट है इसके साथ, इसको नहीं, इमोशनल अटैचमेंट। एक तो ये बिकेगा नहीं और बिक गया तो दूसरा आएगा नहीं। और फिर इनसे पूछो लाइफ कैसी चल रही है, मजे में चल रही है। तो कौन सी लाइफ चाहिए, 5 लाख से पहले वाली कि 5 लाख के बाद वाली? तो 5 लाख के बाद वाली लाइफ इस जिंदगी में, इस जन्म में अगर आपको कहीं मिल सकती है तो वहीं मिल सकती है जहां पे आप आए हुए हो माई लाइफ स्टाइल में। नहीं तो सारी जिंदगी ये 5 लाख माइनस कर लो, जिस हाल में रह रहे हो उसी तरीके से ऊपर चले जाओगे, ज्यादा ज्यादा 1 BHK से 2 BHK में चले जाओगे, पर 2 BHK की किस सारी जिंदगी भरोगे? 5 लाख की 4 व्हीलर से 8 लाख की 4 व्हीलर पे चले जाओगे, पर 10 साल की किस्त भरोगे? लाइफ वहीं की वहीं रहेगी, कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। तो आज भी अगर 1% चिंगारी बची है तो कल से इसको जरूरत समझ के करो, डेली करो और सारी जिंदगी करो, और फिर देखो आपकी भी लाइफ इन्हीं लोगों की तरह चेंज होती कि नहीं होती। समझ में आया क्या? और मैं आपको फिर याद दिलाता हूं आप लोग किस खतरे में हो, भूलना मत इसको। मिडिल क्लास हो, आपको फाइनेंशियल बैकअप चाहिए। माई लाइफस्टाइल के अंदर हमारा एक स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र का एक्टिवली काम कर रहा था माई लाइफस्टाइल, 34 साल की उम्र, 34 ईयर्स की। यही साल 27 मार्च को वो कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ, 27 मार्च को, 34 साल का एक्टिवली एसटीसी करता हुआ लड़का कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ। 4 दिन के बाद इसका ऑक्सीजन लेवल नीचे गया, जैसी नीचे गया तुरंत अस्पताल में इसको भेजा गया, 2 दिन अस्पताल में ट्रीटमेंट के बाद 3रे दिन ये आईसीयू में गया और टोटल 9 दिन के अंदर ये ऊपर चला गया। 27 मार्च से 9 दिन के अंदर चलता फिरता आदमी, 34 साल का आदमी ऊपर चला गया। आप मेरे को एक चीज बताओ, 26 मार्च को इसके आसपास के जितने भी लोग थे माई लाइफ स्टाइल के अपलाइन, माई लाइफ स्टाइल के डाउनलाइन, इसके टीम वाले, इसके पड़ोसी, इसकी वाइफ, इसकी वाइफ 29 साल की, पिताजी 65 साल की रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे, किसी को भी 1% 26 मार्च को एक आइडिया था क्या? इस आदमी को भी आइडिया था क्या कि 9 दिन के बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा? आइडिया था क्या? 1% भी आइडिया था क्या? 9 दिन के बाद ये ऊपर चला गया। और ट्रेजिडी देखो, 29 साल की वाइफ, हाथ में 1 दिन का बच्चा, 26 मार्च को उसको लड़का पैदा हुआ, उसका खुद का सबसे पहला बच्चा उसका 1 दिन पहले पैदा हुआ, और वो 1 दिन पहले जब खुशी मना रहा था उसके साथ जितने भी लोग थे, किसी को भी 1% चांस नहीं था, 1% कहीं आइडिया नहीं था कि 9 दिन के बाद ये आदमी जो है ये रहेगा भी नहीं।
पर्दे के ऊपर वाले की मेहरबानी कि वो माई लाइफस्टाइल में था और माई लाइफस्टाइल में एक्टिवली काम कर रहा था। तो एक्टिवली काम करने का नतीजा मैं आज आपको बताता हूँ। 6 महीना हो चुका है इस हादसे को। आज 6 महीने के अंदर वही आईडी एसटीसी से आरटीसी बन चुकी है। वो आदमी नहीं है, ऊपर जा चुका है, पर वो आईडी आरटीसी बन गई है। और उस फैमिली के घर पे आज भी हर हफ्ता पैसा जा रहा है और सारी जिंदगी जाएगा, क्योंकि आईडी आज आरटीसी बनी है, आगे जाके एनटीसी बनेगी, आईटीसी बनेगी। उस फैमिली को कभी सारी जिंदगी में पैसा पैसे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप सोच के देखो वो पीछे क्या छोड़ के गया है। 29 साल की यंग वाइफ, हाउस वाइफ, हाथ में 5-6 महीने का बच्चा और रिटायर्ड लाइफ जीते हुए उसके पिताजी 65 साल के, अचानक से काम करने वाला ऊपर चला जाएगा तो आज उसके बाद उस फैमिली का क्या हाल होता अगर वो माई लाइफ स्टाइल में एक्टिवली काम नहीं कर रहा होता था। सोच के देखो, आज अगर वो हादसा होता कि वो माई लाइफ स्टाइल में होता पर एक्टिवली नहीं कर रहा है, पर ये हादसा होता तो क्या होता? ज्यादा कंपनी से 1 लाख रुपए मिल जाता, लीडर लोग मिलकर 2-3 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कर देते थे, नातेदार रिश्तेदार 50,000-1,00,000 रुपए जो भी बनता वो सब बना के दे देते थे कि भाई लोग तुम लोग ठीक है, 29 साल की बच्ची है बेचारी, हाथ में 1 दिन का बच्चा है, ये सब पैसे संभालो तुम्हारे काम आएगा। पर ये पैसा कितना दिन चलता? 6 महीना 8 महीना 9 महीना। 9 महीने के बाद क्या फिर दोबारा कोई देता क्या? 9 महीने के बाद या तो वो 29 साल की लड़की हाउसवाइफ जो घर पे आज तक जिंदगी में जिसने काम किया है, हाथ में 5-7 महीने का बच्चा लेके काम ढूंढने निकलना पड़ता, तब जाके ससुर का, खुद का और बच्चे का पेट भरता। अब आप मेरे को बताओ, 29 साल की हाउसवाइफ, कोई एक्सपीरियंस नहीं जिसको, और हाथ में 7 महीने का बच्चा, कौन काम देगा और क्या काम देगा आप सोच के बताओ? पर काम तो उसको चाहिए ही ना, कौन सा काम मिलता आप मेरे को बताओ? या आज उसका ससुर 65 साल का, उसको भी बोला जाता कि तुम भी बाहर जाओ कुछ कमा के लेके आओ। तो आज माई लाइफ स्टाइल में आने से आप सेफ नहीं हो गए। माई लाइफ स्टाइल को एक्टिवली करने से आपकी फैमिली का बैकअप बनने वाला है। आज वो लड़का कर रहा था वो तो ऊपर वाले के कर्म और इसके कर्म कि आज वो करते करते ऊपर चला गया, तो आज उसकी फैमिली फाइनेंशियली सेफ है। आदमी को बुला के वापिस नहीं लेके आ सकते, पर एक चीज की गारंटी है कि सारी जिंदगी उस फैमिली को हर हफ्ता हर महीना और सारी जिंदगी पैसा जाएगा, पैसे के लिए उनको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे अगर मैं माई लाइफ स्टाइल में आपको केस बताऊं तो कम से कम 137 रैंक होल्डर चले गए जिसके अंदर से 60% एक्टिव लोग थे, पर आज वो लोग माई लाइफ स्टाइल कर रहे थे तो आज उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी के 30-40% जो एक्टिवली नहीं कर रहे थे पर उनको मिला, तो आज उनकी फैमिली को एक टाइम का पैसा मिला और आज वो लोग क्या कर रहे हैं वो उनके ऊपर है। तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान ने आपको यहां पर भेजा है और ये जो जिंदगी में आपका जो हादसा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में जबरदस्ती आने का, इसके पीछे ऊपर वाले का हाथ है। आपको इस टीम में भेजा, इस कंपनी में भेजा, इसके पीछे ऊपर वाले का हाथ है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। समझ में आ रहा है? तो मैं जाते जाते ऊपर वाले से आपके लिए एक ही प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको वो बुद्धि दे और वो समझ दे इस बिजनेस को देखने की कि क्यों आप इस बिजनेस में आए हो। आपको बुद्धि दे आसपास जो खतरा चल रहा है उसको समझने की, और इसके बाद आपको बुद्धि दे कि इस बिजनेस को सही एटीट्यूड से करने की, और कल से इसको जरूरत समझ के करने की बुद्धि भगवान आपको दे और आपको वो ताकत दे कि आप सारी जिंदगी माई लाइफ स्टाइल करो, बड़े से बड़ा चैलेंज आए उसको फेस करने की ताकत और समझ भगवान ऊपर वाला आपको दे। इसी प्रार्थना के साथ में कि आप भी अगर इस बिजनेस में आए हो, इस कंपनी में आए हो, तो बाकी लोगों की तरह आप भी अपनी जिंदगी अपनी फैमिली बना के यहाँ पे अपने लोगों को दिखाओ। इसी प्रार्थना के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में